राम, आज तुम्हारे पिताजी की बरसी है। उनको गुजरे हुए 15 बरस हो चुके हैं और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनके मरने के बाद उनकी मिलों और कारखानों की देखभाल आज तक मैं ही करता आया। मिल के कुछ लालची और नमक हराम मजदूर आज उनकी बरसी का नाजायज फायदा उठाकर अपनी वही मांगे जो कि मैं पहले ही ठुकरा चुका हूं तुम्हारे सामने रखना चाहते। उन्हें अभी तक इस बात का यकीन नहीं कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है और तुम इस लायक नहीं कि किसी भी बात को ठीक तरह सोच सको या उसका कोई फैसला कर सको। वो जाहिल समझते हैं कि तुम उनकी मुश्किलें आसान कर दोगे, इसीलिए आज शाम के जलसे में तुम्हें बुलाया है। लेकिन ये मेरा हुक्म है कि तुम आज घर से बाहर नहीं निकलोगे और न ही उस जलसे में शामिल होगे, समझे? तो लक्ष्मण तुम भी सुन लो, अगर राम ने घर से बाहर कदम रखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लो, क्यों नहीं जाएंगे? हम जरूर जाएंगे। मुंशी जी कहते थे आज उनकी लड़की का नाच होने वाला है जलसे में। मुझे ले चलोगे ना? नहीं कुकु, वो तुम्हारे पिताजी को पता चल जाएगा ना तो फिर वो और भी गुस्सा हो जाएंगे, क्यों है ना दीदी? हाँ, तेरे मामा ठीक कहते हैं कुकु। पर हम थोड़ी सबके सामने जाके बैठेंगे, छिप छिप के जाएंगे, छिप छिप के चले आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नगरी की रीत है उल्टी, कोई समझ ना पाए। अरे सच्चे को दुख दर्द मिले और झूठा मौज उड़ाए। धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा सजना बलवान। धीरे धीरे बोल, ऐसे बोल कोई सुन लेगा, रे कोई सुन लेगा। जो सुन पाए कोई बांका बतलाऊं हाल मैं तुझको इस नगरी का गोरी। अरे गली गली में सीना जोरी, पल पल डाका चोरी, पल पल डाका चोरी। हाय प्रीत की सुंदर बस्ती में हूँ मैं रखवाला तेरा, डगर डगर ना डोल अकेली थाम ले बैया मोरी। ओ गोरी थाम ले बैया मोरी। सुन पाए कोई चोर उचक्का सैया चोरी, अंगूठी मोरी नथ लेगा सजना बलमा। जरा धीरे धीरे
अरे धनवानों की इस दुनिया के रंग है सारे झूठे, रंग है सारे झूठे। हाँ कोई किसी को दुख पहुंचाए, कोई किसी को लूटे, कोई किसी को लूटे। हाँ कैसी सच्ची बात कही है एक कवि ने भैया, रिश्वत लेके फंस जाए तो रिश्वत दे के छूटे। ओ रामा रिश्वत दे के छूटे। स्टेज पे तशरीफ लाइए। दोस्तों, आज हम अपने स्वर्गवासी मालिक राजा यशवंत राव राणे की 15वीं बरसी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज के जलसे में हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपनी मिल और फैक्ट्री के असली मालिक कुमार रामचंद्र जी का भी स्वागत करते, लेकिन कहा गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में मैं इस फैक्ट्री के सारे मजदूरों की तरफ से श्री गजेंद्र बाबू से प्रार्थना करता हूं कि वो हम गरीबों की बढ़ती हुई तकलीफों की तरफ तवज्जो दें, हमारे दुख दर्द में हमारी सहायता करें। मजदूरों की तरफ से लिखी हुई यह दरख्वास्त देते हुए मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आज के इस जलसे की सदारत करें और हमें कुछ तसल्ली दें। कि आज आप हम लोगों में पधारे हैं, यह हार स्वीकार कीजिए। कुमार रामचंद्र की जय। कुमार रामचंद्र की जय। कुमार रामचंद्र की जय। कुमार रामचंद्र की जय। गजेंद्रनाथ पाटिल गजेंद्रनाथ पाटिल गजेंद्रनाथ पाटिल गजेंद्रनाथ पाटिल गजेंद्रनाथ पाटिल गजेंद्रनाथ पाटिल। दीदी मुझे कहीं छुपा लो, मुझसे भूल हो गई। दीदी क्या हुआ रामू, क्या बात है? मैं बोलो। क्या हो रहा है मुनीर? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ मौसी। अपने कुमार बाबू ने गजेंद्र बाबू की ऐसी इंसल्ट कर दी कि गजेंद्र बाबू एकदम खुन्नस खा गए। आपको लगाने बुझाने के सिवा और भी कोई काम आता है मुनीम जी? बहू जबान में कीड़े पड़ जाए जो रत्ती भर झूठ बोलू। सब मुंह पे ही बोलने लगे कमबख्त गजेंद्र राव पाटिल। हाय 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 हाय। Oh, my God.
करने के बावजूद इसकी ये जुर्रत, आज मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिताजी, मामा को मत मारे, मुझे मारे, मैंने नहीं कहा तुम्हारे जाने के लिए। चुप रहो, बाबू, बस 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 कीजिए। अब और कितना मारेंगे मेरे भाई को, बच्चे का मन रखने के लिए चला गया था, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। क्षमा कर, यही सजा है। मेरी इजाजत के बगैर फिर कभी इस घर के बाहर कदम निकला तो जान ले लूंगा तुम्हारी, खून पी जाऊंगा तुम दोनों भाई बहन का। ये दुख मैं और सहन नहीं कर सकता, ये जिल्लतें अब नहीं उठाई जाती। मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। जैसे बुजदिल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है दीदी, इस तरह जानवरों की तरह कोड़े खा खा कर जिंदा रहने से तो मेरा मर जाना अच्छा है। मामा, आज तुम्हें मेरे वजह से मार पड़ी थी, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो ना। मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहती हूँ रामू, अगर तुम इस तरह हमें छोड़कर चले गए तो हम दोनों माँ बेटी इसी कुएं में गिर कर अपनी जान दे देंगे। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो दीदी। अगर तुम चले गए तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसे छूकर कसम खाओ मेरी, अपने माता पिता की कसम खाओ कि फिर तुम कभी आत्महत्या की बात नहीं सोचोगे, नहीं सोचोगे रामू। बोलो ना, बोलो ना मामा, बोलो ना मामा। रियो नहीं बेटी, अगर तुम्हारे मामा के दिल में हमारे लिए इतनी भी दया नहीं तो इससे पहले हम अपनी जान दे देंगे। मैं वादा करता हूँ भगवान के लिए ऐसा ना कहो, मैं वादा करता हूँ इस घर में मेरे साथ जो अन्याय होगा, जो भी मुझ पर जुल्म होगा, मैं चुपचाप सह लूंगा, मैं वादा करता हूँ। भगवान, इतनी बड़ी दुनिया में हमें इस अन्याय से बचाने वाला कोई नहीं। अरे मुरलीधर मामा की भांजी, ए शांता, अब जरा ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे मैं आता हूँ अभी। हजार लंगड़ी खोड़ी हाथी का तू शांता की बच्ची, बात
सांता की बच्ची मार डालो मछली, झेला मारेगी, झेला मारेगी। खबरदार जो मुझसे हाथ चलाकी की तो बाबा का बगीचा जो खेत के बीचों बीच घुसी चली जा रही है ना। हाँ, बड़े हीरे जवाहरात लगे ना जो को उठा ले जाएगा। देख ज्यादा पीटर पीटर की ना मुझसे तो किसी कोड़ी बुड्ढे के पल्ले बांध के गांव से निकाल दूंगा तुझको, समझे? किसी कोड़न गुड्डी को अपने गले क्यों नहीं बांध लेता, जोड़ी अच्छी रहेगी। क्या बोलती मामा? और चिल्ला ओ मामा, और चिल्ला ओ मामा। ए मिस्टर श्यामराव, क्यों इतना उलड़ मचा रहा, क्या हुआ? तेरी चोरू मैं के भाग गई ना, उसी की खबर लाया। ओ श्याम, श्याम अरे छोड़ ना, उसके पीछे क्या लगा हुआ है? इस बदतमीज की तो मुंडी काट के ना मैं इसे एक दिन खेत में गाड़ दूंगा। वो तो आराम से करना, जल्दी कर, हीरोइन की फिल्म तेरा नहीं, फिल्म की हीरोइन तेरा इंतजार कर रही है। फिल्म की हीरोइन? हाँ। कौन सी फिल्म की? वो यार वो उस रोज देखी थी ना, रुक्मणी देवी। ओ वो आ गई है। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 किलो मस्का लगा कर डायरेक्टर के पास से तेरे लिए चांस लाया हूँ, समझा? वो क्या हुआ, वो हीरो है ना, वो डेट देके दिल्ली भाग गया, तो उनके पास हीरो ने तो उसके कपड़े पहन कर और तेरे को सड़क पर चढ़ने का, वहाँ से हीरोइन को बचाने का, वो गुंडे लोग आएंगे ना तो उनके साथ मारा मारी करने की, बस इतना काम है। इसमें कामयाब हो गया ना। शूटिंग किधर है? शूटिंग अरे वो तेरे तालाब के पास। अपने तालाब के पास? जल्दी कर, चलो कमल। जाओ जाओ, मैंने भी मौसी को कहकर तुम दोनों को जूते ना पड़वाए तो नाम नहीं। डायरेक्टर साहब आप है, हमने तो देखा ही नहीं, बोलो कैसा लगा हमारा काम, बोलो। Shut up, you idiot! तुमने सचमुच का किसने मारने के लिए कहा था? तुमने हमारे शूटिंग का सब सत्यानाश कर दिया। अरे 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 श्याम, ये डायरेक्टर है, इसको क्या घुमाता है? अरे डायरेक्टर को तो अपने घर का गाली क्यों देता? अरे गाली नहीं देगा तो क्या तेरी पूजा करेगा? तू अकल का घर बेच के आया है? फिल्म कंपनी है या गामा पहलवान का अखाड़ा? कंटिन्यूटी का कपड़ा दो हमारा साहब, कंटिन्यूटी का कपड़ा। लोग इतना चिल्लाते कि वो जान क्यों खा गया हमारा? अपना कपड़ा, तुम्हारा कपड़ा हमको नहीं चाहिए। वो देखो घर चले, काम निकाल के। नहीं नहीं, तू फिल्म कंपनी में काम ही नहीं कर सकता, तू बना हीरो। ये अपनी पत्नी ने मन, अरे तेरे को रियल फाइटिंग करने के लिए किसने बोला था? तू तो बस दे मार दे मार। अरे पर मुझे क्या मालूम था कि आटे की बोरी की तरह सब इधर पटापट पटापट गिरे। अरे बाबा वो ऊपर से सिनेमा वाली फाइटिंग करना चाहिए, ऐसी 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 कोई फाइटिंग होती है उसको? हाँ, फाइटिंग हाँ, हाँ, नहीं ऐसा जो होता फिल्म लाइन में। अरे बाबा आने देना माँ को। माँ मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम तो मौसी का ही जिक्र कर रहे थे ना। मौसी तुम्हारे घुटने में वो पीरा है ना, पीरा, उसके लिए मैं शहर से शेर की चर्बी लाया हूँ। मेरे लिए शेर की चर्बी लाया है? और अपने मुंह पर मरने के लिए गोबर का लेप क्यों नहीं लाया? वो तो भूल गए मौसी। भूल गया, खूब बाप दादों का नाम रोशन करेगा कमबख्त। मेरे बेटे को सुलेमा और नाटक की पट्टी पढ़ाने वाला। नहीं मौसी, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं मौसी, नहीं नहीं मौसी, देखो देखो
कुछ नहीं माँ, तुमको मालूम है मुझे और क्या कहता है? क्या कह रहा? मैं तो वहाँ अपना ट्रैक्टर चला रहा था और मुझे आगे कहता कि बेटे छोड़ ही खेती बाड़ी का काम, वहाँ फिल्म की हीरोइन तुम्हारा रास्ता देख रही है। हा? फिल्म की हीरोइन? बोला कि नहीं बोला? क्या होता है? मासी, तुम इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ी हो? इससे तो पूछो ये क्या दूध पीता बच्चा था जो इसके साथ हो लिया? ए, हाथ नहीं तो दूंगा एक उठा के। अगर इस पर तूने हाथ फेंक ठीक ना होगा। अरे इस ऊंटनी को तुम क्यों नहीं समझाते हो जो हर बात में अपनी टांग अड़ाए हुए? अरे पागल, इसे क्या समझाऊं? ये लड़की आवारा गति तू करता है, समझाऊं इसे? मैंने क्या किया? अरे तेरे साथ सिनेमा नाटक का भूत ना उतार दिया तो मेरा नाम नहीं। अरे मीना कुमारी का कभी कोई पिक्चर देखा है तुमने? ना मैंने तो नहीं देखा, तू ही अंदर बैठ के देख। तो फिर तू किस हाल में है? शेर लोहे के जाल में है। रस्सी जल गई और बल नहीं गया। ठहर जा बदमाश, मैं अभी चखाता हूँ तुझे मजा। सर, ओ सर। हाँ हाँ, खूब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला, तारा गाँव सर पर उठा ले। छम 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 छम, बायल मोरी रे बाजे चोरी चोरी रे, तारा टोरी टोरी रे मरा मोरी मोरी। अरे बत्तक बंद कर, चुप ना। बहुत हो गया मम्मी, ओपन द डोर। अरे मुझे शहर जाना है, खेती के लिए बीज लाना है, एंड माय ट्रैक्टर इज आउट ऑफ ऑर्डर। मम्मी मम्मी साहब, अरे साहब साहब साहब, अरे कहाँ साहब, अरे साहब साहब, अरे साहब साहब, बताओ वो बताओ, मर गया मर गया मर गया मर गया, भैया नहीं माँ, फिल्म का भाजपा हीरो बन के तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हम सब तुम्हारी भलाई चाहने वाले, हम चाहते हैं तुम अच्छे हो जाओ और ये बिला वजह का खौफ और डर जो बचपन से तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है ये हमेशा के लिए चला जाए। ठीक याद करके बताओ राम, ये अपने बहनोई का खौफ सबसे पहले तुम्हारे दिल में कब से बैठा और किस बात पर बैठा? अगर मैंने कुछ इसके बारे में कहा तो उनको गुस्सा आएगा और वो फिर मुझे मारेंगे। नहीं रामू, वो कुछ नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें जो कुछ कहना वो कहो, कहो रामू। बहुत दिनों की बात है, जब हम छोटे थे गांव की घड़ी में हम रहा करते थे, तब जीजाजी अपने पिता के साथ हमारे घर आया करते थे। एक दिन हम ऊपर पतंग उड़ा रहे थे तो उनकी पतंग कट गई, और जैसे उनकी पतंग कट गई तो मैंने जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी और चिल्लाना शुरू कर दिया कि गजेंद्र की पतंग कट गई, गजेंद्र की पतंग कट गई, तो दूसरे लड़कों ने भी तालियां बजाना शुरू कर दी और मेरी इस बात पर उनका गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे वहीं पास पड़े हुए कुड़ से मारना शुरू कर दिया। वो मुझे मारते गए, मैं चीखता रहा चिल्लाता रहा लेकिन वो मुझे मारते रहे। मारते मारते वो ऊपर से मुझे नीचे तक ले आए और लाकर मुझे जीने पर जोर से धकेल दिया। मैं नीचे गिर गया और उसके बाद मैं कितने ही दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। उस दिन के बाद जब भी उनकी आंखों में गुस्सा आता है और वो मेरी तरफ देखते हैं तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। डर के मारे मेरे हाथ पैर शल हो जाते हैं, न मुझसे कुछ कहते बनता है, न मुझसे कुछ करते बनता है। मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है, न मैं कुछ कह सकता हूँ, न मैं कुछ कर सकता हूँ, न जाने मुझे क्या हो जाता है, न जाने मुझे क्या हो जाता है।
मैं राम के केस को अच्छी तरह समझ गया हूँ लक्ष्मण देवी। बचपन से जो जुल्म और अत्याचार इनके दिल पर होते आए उनका डर ही इनके दिल में बैठ गया है और कुछ भी नहीं। लेकिन इस खौफ का कोई इलाज? मेरी मानिए तो किसी सुशील लड़की के साथ इनकी शादी करवा दीजिए। शादी? जी हाँ, प्यार और मोहब्बत के सलूक से इनका डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मेरे मन की भी यही साध है डॉक्टर साहब कि मेरे भाई की शादी हो जाए, उसका घर आबाद हो, उसकी जिंदगी सुधर जाए। लेकिन आप मेरे पति को नहीं जानते, वो शायद इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे। सुलक्षणा, तुम्हारा पति तुम्हारे भाई का दुश्मन थोड़ा ही है जो चोरी छुपे इस वीरान घड़ी में डॉक्टर साहब को ये राम कहानी सुनाने ले आई हो। मुझे खुद राम का ख्याल और इसके लिए मैंने एक बहुत ही ऊंचे घराने की नहायत ही खूबसूरत लड़की भी देखी जो न सिर्फ हमारे घर आएगी बल्कि जहेज में लाखों की दौलत और जायदाद भी साथ लाएगी। किसकी लड़की की बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे पिता के पुराने दोस्त राव साहब गंगाधर की लड़की अंजना। अंजू, अरे ये क्या फटीचे जैसे कपड़े पहन रखे हैं? लड़के वालों की तरफ से गजेंद्र बाबू तुम्हें देखने आ रहे हैं। जाओ ठीक से कपड़े पहन के आ जाओ। आप तो ऐसे कहें जैसे दरवाजे पर बाराती आ गई। ठीक हूँ मैं जैसे भी। आप रोज किसी न किसी को लेकर आएंगे तो क्या मैं रोज फैशन पैरेड करती हूँ? नहीं बेटी, मेरा मतलब ये था कि न जेवर न गहना, हाथ खाली, गले में कुछ नहीं। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मेरी नजर में तो तुम दूज का चांद हो बेटी। काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती, बेटी को आशीर्वाद दो। आज तुम्हारी बेटी बड़ी योग हो गई। शायद वो लोग आ गए। नमस्कार राव साहब। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार बेटी। आओ आओ बेटी, आओ। बेटी ये है ठाकुर का चेहरा, स्वर्गीय यशवंत राव के दामाद और शायद तुम्हारे होने वाले जीजा जी। तुमने अंजू को तो बहुत बचपन में देखा होगा। जी हाँ, तब बात और थी, अब और बात है। इनकी सुंदरता की तारीफ करना तो चांद को आईना दिखा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हाँ भाई बैठे बैठे। नारायण कुछ ठंडा गरम जल्दी से लेकर ले आओ। समझी नारायण भाई, तकलीफ की क्या जरूरत है भाई? तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, लड़की वाले जो ठहरे। और फिर शादी ब्याह की बातचीत मुंह मीठा करने के बाद ही तो ज्यादा शुभ होती है। बैठो बैठो बैठो। सच बात तो यह है गजेंद्र, अंजना अपनी मां की एक ही निशानी है। इसके योग्य वर मिल गया तो मैं समझूंगा मेरी सब चिंता दूर हो गई। हमारे राम को भी आप किसी सूरत में कम नहीं पाएंगे। निहायत ही फरमाबरदार, सीधा और सुशील लड़का है। आपकी पसंद के लिए मैं उसकी ये तस्वीर लाया। भाई लड़का तो देखने में खूबसूरत है। अंजना आप भी एक नजर। हाँ लो भाई, पहले ही देख के पसंद कर लो। वो बात का धूमधड़ाका हमें नहीं चाहिए। पर डैडी, खाली तस्वीर से आदमी के स्वभाव और नेचर वगैरह का पता थोड़ी चल सकता है। वो खुद क्यों नहीं है? करेक्ट करेक्ट, इस बात में भी पॉइंट है। जवाब दीजिए साहब, वो खुद क्यों नहीं है? इसकी जरूरत नहीं थी। राम को हमारे किसी फैसले पर एतराज नहीं हो सकता। अच्छा, लड़का बड़ा आज्ञाकारी मालूम होता है। होगा होगा, लेकिन डैडी वो जरा एक दूसरे को आपस में देख दाख लेने से बेटर होगा ना? ओ श्योर श्योर, बिल्कुल ठीक है भाई गजेंद्र, बेहतर यही होगा कि लड़का लड़की आपस में मिलकर बराबर नाप तौल कर बातचीत करके फैसला करें तो अच्छा होगा ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अंजना देवी, जिंदगी भर आपको राम से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही ठंडा लड़का है। ठंडे गरम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ठाकुर साहब। तो फिर हम ये समझ ले कि आपको ये रिश्ता मंजूर है। लो खामखा ही, मैंने ये भी तो नहीं कहा। दो टुक बात करती है हमारी बेटी एकदम साफ साफ और बात भी अपनी जगह ठोस। गजेंद्र अब हमारी तुम्हारी एक नहीं चलेगी। ऐसा करते हैं, इतवार को हम लोग अपने फार्म जा रहे हैं, तुम कहो तो तुम्हारे यहां से होते चले जाएं। लड़का लड़की मिल लेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे पीछे जो कुछ होना हो जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले जहेज की रकम, जायदाद की बात सब तय हो जानी चाहिए ताकि। अरे भाई जो कुछ हमारा है वो हमारी बेटी का है, लेकिन पहले हमारी बेटी की पसंद, उसके बाद आप लोग जो कुछ कहेंगे हमें मंजूर है। तुम्हारे कहने के परमाने तो
राव साहब की लड़की बहुत तेज मालूम होती है बेटा। हाँ माँ, लेकिन लड़की है बड़ी सुंदर, आदमी देखता ही रह जाए, और फिर जब आएगी तो लाखों का जहेज भी तो साथ लाएगी। तुम चिंता ना करो माँ, तुम्हारा बेटा बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता। गजेंद्र बाबू, राव साहब अपनी बेटी के साथ आ गए। आ गए जी। अरे देखो, सुलक्षणा ने अगर राम को तैयार कर लिया तो उसको बोलो फौरन नीचे ले आए। आओ माँ। आइए आइए राव साहब, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र बाबू, नमस्कार। धन्य भाग हमारे जो आप इस घर में पधारे। अरे भाई, ये घर क्या है, अच्छा खासा महल है। माँ, ये राव साहब गंगाधर जादे और ये उनकी बेटी अंजना देवी। और आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? नमस्कार बहन जी, नमस्कार भाई। बहुत अच्छे गजेंद्र, ये तो दुनिया जानती है कि तुम घर जमाई हो, पर इन्होंने भी यहाँ डेरा डाल रखा, हमें मालूम नहीं था। तो इसमें हंसने की क्या बात है? अरे भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मेरा मतलब ये था सास के घर में बहू जाए या बहू के घर में सास आए, बात तो एक ही है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा दीदी, वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे सब। मजाल है किसी की जो मेरे राजा भैया का मजाक उड़ाए? देखना रामू, अगर ईश्वर ने चाहा ना तो राव साहब की लड़की तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगी। चलो कपड़े पहन लो। नहीं, मैं जानता हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा रामू। मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। मुझसे ठीक तरह से बात भी तो नहीं होती दीदी, और फिर वो लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। तो क्या हुआ? भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो देखो क्या है, क्या है, पूरे खाने का सामान आ गया। बेटी मानना पड़ेगा, खूब डट के खातिर हो रही है तुम्हारी। राव साहब, आप हमारी मौसी को नहीं जानते, असली खातिर तो ये बिटिया की करेंगी शादी के बाद। क्यों मौसी? चुप रहो मुनीम, तुमको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? चूक हो गई मौसी, माफ करना। क्यों बेटी, तुम हमारे राम को देखकर यहाना का फैसला करोगी क्या? जी हाँ, क्यों? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसे मैं आंखें बंद करके कैसे तय कर सकती हूँ? भाई ये उल्टी रीत हमारे घराने में तो नहीं है। तुम समझती हो कि हम किसी लूले लंगड़े को तुम्हारे पल्ले बांध रहे हैं? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बाद में पछताने से तो अच्छा है ना कि एक दूसरे को पहले जरा देख दाख लें। क्यों डैडी? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। वो जमाना चला गया बहन, जब लड़कियों को ससुराल के खूंटे से बांधाया करते थे। ये नए जमाने के तरीके हैं, इसमें मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा। चौकस खरी बात है। चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। अरे भाई चाय भी पी लेंगे, पहले लड़के को तो आने दो। लीजिए, कुमार आ गए। आओ राम, आओ। आओ राम, आओ ना, चलो ना मामा। आओ राम। आइए कुमार बाबू, कितने सीधे साधे हैं अपने कुमार बाबू, आजकल के लड़कों जैसी कोई चटक मटक नहीं है इनमें। चलिए चलिए कुमार बाबू, चलिए चलो बेटी, चलो बैठ जाइए कुमार बाबू, बैठ जाइए। बैठ जाओ राम। बैठो ना मामा। दोनों किस तरह चुपचाप बैठे हैं। बेटी कुछ बात करो, बात करो। आपने तालीम कहां तक पाई है? जी बेटी, जब घर में लक्ष्मी जी मौजूद हैं तो सरस्वती पूजा का है को, और फिर पढ़ लिख कर कुमार बाबू को नौकरी थोड़ी ही करनी है। राव साहब आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ बेटी, चाय बनाओ चाय बनाओ। आप शक्कर कितनी लेंगे? मामा चाय नहीं, दूध पीते हैं दूध। भाई वाकई बहुत ही सीधा लड़का है। बेटी इस बेचारे की प्याली में दूध ही डाल दो।
ले लो भैया। पीलो राम। चलिए डैडी हम यहाँ से चले। अरे बेटी तुम्हारी साड़ी का तो सत्यानाश हो गया। चलो चलो चलो। ठहरो बहन, इस तरह यहाँ से मत जाओ। तुमने मेरे भाई को ठीक से देखा नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम इस घर में आ जाओगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे इस वक्त यहाँ से जाने दीजिए। मैं सच कहती हूँ बहन, तुम जैसे जीवन साथी को पाकर उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये घर, ये धन दौलत सब कुछ तुम्हारे हवाले करके हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। भगवान की दी हुई सारी संपत्ति का मालिक मेरा राम ही तो है। मैं तुम्हारा हाल जोड़ती हूँ। हाँ कह दो बहन। मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें दीदी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। चलिए ना डैडी प्लीज। चलते हैं बेटी चलते हैं। सुलक्षा जी आप परेशान ना हो, अंजना थोड़ा घबरा गई है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। अच्छा चलते हैं। आ बेटी आओ। नमस्ते बेटी। भाई की ममता के लिए बहन घर छोड़कर सड़क की ठोकरें खाने के लिए तैयार हो गई। ये गधा हमारे बगैर इस गृहस्थी और इतने बड़े कारोबार को एक दिन के लिए भी संभाल सकेगा? जाहिल। हाँ हाँ डैडी, मैं मानती हूँ लड़का शरीफ है, अच्छे खानदान का है, लेकिन अगर उसे शादी करने के लिए आप कहेंगे तो मैं कहूंगी नो थैंक यू। क्या बुजुर्ग की तरह शक्लें बना बना कर मेरी तरफ देख रहा था? मुझे तो दया भी आती थी और डर भी लगता था। नेक लड़कों के ऐसे मौकों में सिटी गुम ही हो जाती बेटी। लेकिन तुमने एक बात पे गौर नहीं किया। क्या बात? इतने दौलतमंद घराने का अकेला वारिस होने के बावजूद लड़का कितना गौ समान था। गौ समान होने में क्या कोई वो खास बात होती है? नहीं, मेरा मतलब है शादी के बाद तुम जैसा कहोगे वैसे ही कर। तुम कहोगे बैठो बैठेगा, तुम कहोगे उठो उठेगा। तो क्या हम जिंदगी भर उठक बैठक ही करते रहेंगे? लेट्स बी फेयर डैडी, शादी के लिए लड़के लड़की के मिजाज में कुछ तो मेल होना चाहिए कि नहीं? हाँ ये ठीक है। तो फिर ऐसे घोचुराम के पल्ले मुझे बांध देंगे तो मैं उससे क्या बात करूंगी, वो मुझसे क्या बात करेगा? भाई बातचीत का प्रॉब्लम तो जरूर होगा। खैर कोई इतनी जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया। जी हाँ, गुड नाइट। मिस्टर सेन। जी सर। राम के पिता स्वर्गवासी राजा साहब के इस वसीयतनामे के हिसाब से उनकी जायदाद और कारोबार पर मेरा अख्तियार कब खत्म होता है? ये 31 मार्च को तब चार्ज कुमार साहब के हाथ में चला जाएगा सर। तो आप सॉलिस्टर से फौरन ऐसे कागजात तैयार करवाइए जिससे कि राम की जायदाद और कारोबार का सारा कंट्रोल हमेशा के लिए मुझे सौंप दिया जाए। पर डू यू थिंक सर कुमार राम ऐसे कागज पर दस्तखत करेंगे? उनकी बहन को तो मालूम है। भाई बहन की कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई जो मेरी किसी बात से इनकार कर सके। राम अगर सीधी तरह से इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेगा तो मुझे हंटर से काम लेना होगा। पर ये दिस इज इलीगल। मिस्टर सेन आप जा सकते हैं। उस मुए को इस बात की जरा भी हवा लगी तो अड़के बैठ जाएगा। चीका चंचाल, मरता भी नहीं कमबख्त कहेगा। मरेगा राम, जरूर मरेगा, लेकिन उन कागजात पर दस्तखत करने के बाद हर दम मेरे सीने में वो एक कांटे की तरह खटकता रहता है। सब कुछ लिखवाकर उसे मैं हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगा। आओ मुनीम। राम मरेगा और जरूर मरेगा, लेकिन इन कागजात पर दस्तखत करने के बाद राम मरेगा और जरूर मरेगा, लेकिन इन कागजात पर दस्तखत करने के बाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये लो पेन, दस्तखत करो। मैं अगर दस्तखत करूंगा तो आप मुझे मार डालेंगे ना? दस्तखत करो जल्दी। नहीं, 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 नहीं!
आगे वाला बनाना, पीछे वाला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास छेकर पानी पिया, जाने दे जाने दे। क्या है साहब? इधर आओ, खाने में क्या भाई? साहब खाने में मटन करी, मटन मसाला, मटन रोज, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन रोज, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, भेजा मसाला। साहब क्या मांगता है? दो दो प्लेट लाओ। दो दो प्लेट साहब, जो कुछ हम बोला सबका दो दो प्लेट, यानी मटन करी, मटन रोज, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन रोज, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, भेजा मसाला, सबका दो दो प्लेट। अब्दुल वो बकेट का ऑर्डर ना, भेजा भेजा, उसका भी दो प्लेट। अब्दुल साहब, ये लो दो प्लेट बिरयानी। साहब और कुछ तो नहीं मांगता है? बड़ा ये खा ले तो फिर बोलेगा। फिर बोलेगा? हाँ। अब्दुल बेटा। हाँ साहब। बिल्ला और कुछ है? और कुछ नहीं है, बावर्ची खाना खाली हो गया है। हाँ तो वो दो बनाट ला, वो बाहर मिलता है, खुद जाके ले लो साहब। ए अब्दुल आया। पैसा निकालो। हाँ? अरे मुंह क्या देखते हो, पैसा निकालो भाई। अरे पहले कुछ खा लेंगे फिर दे देंगे। अरे इतना सब खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? और क्या खाएगा मेरे बाप? हम नहीं खाया जी, हम तो बोले राजा दाल चावल दे देंगे, भूख लगी। अरे तारक किचन तो खलास कर दिया तूने, भी बोलता दाल चावल नहीं। ऐसा करो, मैं अपने ऊपर नमक मिर्चा डालता हूँ, तुम मेरे को खा जा यार। नहीं जी नहीं, हम आपको क्यों खाएंगे जी। बोले राजा कुछ थोड़ा चाय दे दो, बस चाय भी थोड़ा दे दो। तो कितने दर्जन चाय? दर्जन नहीं, एक चाय। थैंक यू। चाय 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 चाय, ये ले चाय भी मिल गई। अभी निकाल, 24 रुपया 75 नया पैसा। पैसा निकालो भाई। एक चाय का 24 रुपये। अरे वाह बोले राजा, इतना सब खाना जो खाया है इसका पैसा क्या मेरा बाबा देगा? ये खाना हम ये नहीं खाया। नहीं खाया? नहीं जी। अरे माँ कसम तुमने खाया यार। नहीं हमने नहीं। अरे तुम भोला बनता, 420 है। नहीं। अरे अब्दुल, अरे मैनेजर जल्दी आओ। अरे ये तो कोई इतना खाना खाया बोलता, हम खाना नहीं खाया, इसका तलाशी लो। मैनेजर सब खाना खा के बोलता है हमने खाना नहीं खाया। अरे बारे भोले पैसा निकालो, नहीं तो पुलिस ऊपर। अरे इसका जेब का तलाशी लो। नहीं नहीं। अरे इसमें तो 20 रुपया, 4 रुपया 75 पैसा तो नहीं पकड़ देगा। हम खा लिए। अरे माँ से तुम ये खाना खाया हमने? अरे इसको बेचो, उतारो इसका जैकेट, उतार लो। अरे पुलिस स्टेशन चलो। अरे चलो उधर, अभी पुलिस स्टेशन में बोलना। क्या है ये बदतमीज, हट जाओ यहाँ से, मैं कहती हट जाओ। जाते कि नहीं? तू यहाँ का hey!
सुनिए तो, आइए आइए ना नारायण जी, साहब से सामान ले लो। बलराम जी, डैडी का सामान बांध दिया? बांध दिया। कहाँ है वो? ऊपर है। अच्छा, आप बैठिए, मैं अभी आई दो मिनट में। बैठिए। अरे भाई क्या है? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़ी गई तुम्हारी चोरी। मेरी ये फिशिंग की किताब यहाँ कैसे? ओफो, आप रखिए ना किताब को। आप जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? वो है ना कुमार रामचंद्र, जिनके हम चाय के लिए गए थे उस दिन, वो तो एकदम टार्जन निकले। हम उनको बुद्धू समझ रहे थे, उन्होंने हमको ही बुद्धू बना दिया। वो कैसे? मैं कल की शॉपिंग करके दुकान से निकल ही रही थी, कुछ लोफो लड़कों ने मुझे आ घेरा और लगे बदतमीजी करने। एक ने तो मेरा पर्स छीन लिया था। अच्छा? हाँ, इतने में क्या हुआ ना, ऐसे कैसे कुमार आ गए और आते ही ना आओ देखा ना ताओ ढेर से मारा एक लंबे वाले को और वो धड़ोम से जा गिरा। फिर डाइंग टूस डाइंग लूट, सबकी ऐसी मरम्मत की, ऐसी मरम्मत की कि सबके सब दुम दबा के भाग गए। देखा, मैं कहता था ना कि लड़का शरीफ है। अरे बेचारा उस दिन मौके की नजाकत से घबरा गया। यू आर राइट, आप ठीक कहते हैं, चलिए उनसे मिल लीजिए। कुमार नीचे? जी हाँ, मैं उनको साथ ले आई ना। नहीं, पहले हमारे तुम्हारे बीच एक फैसला हो जाना चाहिए। फैसला? हाँ, लड़का तुम्हें पसंद है? ऑफ कोर्स, इज अ नाइस फेलो। उसे शादी करोगी? क्या मतलब? मतलब है कि लड़का तुम्हें पसंद है उससे शादी करोगी, तब तो नीचे चलता हूँ, वरना फजूल के आदमियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ओह नो डैडी, डैडी डैडी, यू आर वेरी मीन फेलो। नो नो से कुछ नहीं चलेगा, सीधी बात का सीधा जवाब। बोलो हाँ या ना। लेकिन डैडी, मैंने उस दिन उनके बारे में उल्टा सीधा कहा था ना, उनको मत बताना प्लीज। नहीं बताऊंगा, चलो। भाई वहाँ शहर में घूम रहे हो, कोई खत ना खबर, भले आदमी टेलीफोन ही कर दिया होता। टेलीफोन? अरे टेलीफोन ही कर दिया होता। वो टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? देखिए, अब मैं ऐसे ही बगैर कुछ कहे सुने यहाँ पे आदम का, तो ये कैसा मजा आ रहा है। भाई मानना पड़ेगा बेटा, उस दिन चाय पे तुमने बड़ा अच्छा ड्रामा खेला हम लोगों के साथ। कौन से दिन? उस दिन वो, अच्छा वो उस दिन चाय पे। हाँ, वो तो फिर ड्रामा ही होता है ना। और देखिए, ये जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये भी तो एक तरह का ड्रामा ही है। भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी। वैसे मुझे शौक बहुत है साहब, ड्रामे का, ट्रेजेडी का, कॉमेडी का, अलग अलग टाइप के रोल को अलग अलग तरह से घुमा घुमा के करने का, लेकिन क्या करे, को कम वक्त हमको चांस ही नहीं देता है। सुना बेटी, मैं न कहता था, इस संसार में जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं दिखता है समझो अवश्य है। वाह वाह वाह, क्या पॉइंट की बात कही है। वो भक्त कबीर भी कह गए यही बात के, रंगी को नारंगी कहें और बने दूध को खोया, और वो फिर बीच में कुछ समथिंग 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 देख कबीरा रोया। सुना तुमने, मुंह से फूल झाड़ रहा। और उस दिन तुम कहती थी वो मुझसे क्या बात करेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। भाई बड़ा मजाक पाया तुमने। बड़े अच्छे वक्त पे आ गए हो, आज ही शाम के प्लेन से हम लोग कोडैकनाल जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं कोडैकनाल कैसे जा सकता हूँ? भाई जिस तरह यहाँ आ सकते हो वैसे कहीं भी जा सकते हो। सब मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, फिर मैं कपड़े भी थोड़े। अरे भाई वो सब ठीक हो जाएगा, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों, क्या ख्याल है बेटी? करेक्ट, चल के जल्दी नहा लीजिए जी। जल्दी चल के नहा लीजिए।
मेरा 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 नहाना कोई जरूरी है। अरे भाई तुम भी अजीब आदमी हो, मुझसे इस तरह कोई लड़की कहती मैं तो कुएं में छलांग मार देता। जब ये कहती नहा लो तो नहा लो। नहा लेता हूँ जी। जाओ जल्दी जाओ। तुम लोगों के रोने धोने का कुछ असर नहीं होगा मुझ पर। जब देखो बोनस, जब देखो एडवांस। कभी किसी की माँ मर जाती है तो कभी किसी की बहन बीमार हो जाती है। मुझे क्या अपनी मुसीबतों का ठेकेदार समझ लिया तुम लोगों ने? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। चले आते हैं रोज नहीं मांगे लेकर। आपने बहुत अच्छा किया गजेंद्र बाबू के इन लोगों को दो टूक जवाब दे दिया। कहां हम लोग ऐसे ही परेशान है कुमार बाबू के भाग जाने से, ऊपर से इन लोगों की किटकिट। जो लोग राम की तलाश में गए थे उनका क्या हुआ? शहर का कोना कोना छान मारा उन लोगों ने, मगर कुमार बाबू का कहीं पता नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि हंटर मार मार कर आप जो उनकी गत बनाते थे उस हिसाब से तो कहीं उन्होंने कुएं तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी होगी। मुनीम जी, वो कमबख्त मरा नहीं, अपने ससुराल पहुंच गया है। क्या? ये देखो राव साहब का तार, वो उस बुद्धू को लेकर किसी हिल स्टेशन पे चले गए। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन डम्बा वीर डम्बा बूर बम्बाशी। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी। सॉरी अंजना जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या सॉरी? आपने तो मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। माफ कीजिएगा, भूल हो गई अंजना जी, मैंने देखा ही नहीं ना कि आप आ रही हैं वहां से। ये लीजिए रुमाल, लीजिए पहुंच लीजिए। थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, मगर मैं ये पूछ सकती हूँ, सुबह सुबह ये सर्दी में आप ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? मैं अरे मैं, वो तो अच्छा हुआ कि मैं घूमते घूमते यहाँ निकला। देखिए ठहरिए मैं आपको बताऊँ। ये देखिए, ये आपके नाशपाती के पेड़ है ना, इनको ये वूली एफिस कीड़े खा रहे हैं। वूली एफिस? हाँ, ये देखिए ना सफेद सफेद ये रेंग रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए अगर मैं इनको ये दवाई मिला के पानी में फौरन स्प्रे ना करता तो आपके बाग का तो ये कबाड़ा कर देते। वाह 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 वाह, आपको तो खेती बाड़ी का भी काम आता है। खेती बाड़ी का भी काम आता नहीं, खेती बाड़ी का ही काम आता है। खेती बाड़ी के नाम पे तो मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात? अंजना जी, शुरू में तुम्हें समझा था कि ये एक मजाक है, लेकिन अब जरा मामला सीरियस हो गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अंजना जी, फर्ज कर लीजिए आपको ये पता चले कि मैं एक मुफलिस हूँ और मेरे पास वो धन दौलत और मिले फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ भी नहीं है। तो नहीं है तो ना हो, व्हाट डज इट मैटर। अगर आपको ये पता चले कि आप जो समझती हैं कि मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ तो? हमें सब पता है, हम जो समझते थे कि आप हैं वो आप नहीं। एंड थैंक गॉड फॉर इट। कहाँ वो दूध की प्याली हाथ में ली कर रहे थे और कहाँ उस दिन वो ड्रम 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 कर रहे थे। सुनिए, मेरा ख्याल है कि एक स्टोरी के अंदर ना वो कोई दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है। अगर एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है तो चलेगा, हम ऐसे ही ठीक है। अंजो चला भाई, नाश्ता तैयार है। लीजिए चाय पी लीजिए। चाय? नहीं नहीं चाय नहीं जी, नहीं चाय नहीं। अगर मैंने चाय पी ली तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैं आपसे कह देता हूँ। चाय पीने में क्या मुश्किल हो जाएगी? आपको वैसे यकीन नहीं आएगा लेकिन जब भी मैं चाय पीता हूँ ना तो मुझे चढ़ जाती है, नशा आ जाता। नशा आ जाता है? चाय से थोड़ी नशा होता है। मैं आपसे कह देता हूँ, मैंने अगर चाय पी तो मैं आउट हो जाऊंगा। देखिए एक्टिंग वैक्टिंग मत कीजिए, सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा? जब लड़की कहती है चाय पी लो तो चाय पी लो, चाहे नशा आए या ना आए, लो पी लो। आप मुझे मजबूर कर रही हैं, मैं अब किसी बात का भी जिम्मेदार नहीं हूँ। ओके एक और मिलेगा? एक और? हाँ हाँ। Mm.
आई वो नशा है के दुहाई, हर तरफ दिल के चमन में फूल बिखरे हैं गुलाबी गुलाबी गुलाबी। मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी, मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी। तेरी महफिल में ओ साकी हम चले आए नशे में, अब तो बस ये है तमन्ना उम्र कट जाए नशे में, उम्र कट जाए नशे में। इश्क है तेरा सवाली, इश्क है तेरा सवाली, हुस्न है मेरा जवाबी जवाबी जवाबी। तू है साथी मैं हूँ शराबी शराबी, तू है साथी मैं हूँ शराबी शराबी। तेरी दुनिया में आके रह गया खुद को भुला के, क्या हो अंजाम ना जाने होश उल्फत में गंवा के। बेखुदी के ये तराने यूं ही गाए जा दीवाने, इश्क रंग लाएगा अपना आ गए अब वो जमाने। तेरी मस्तानी ये बातें तेरी मस्तानी ये बातें दिल पे लाए ना खराबी खराबी खराबी। मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी, तूने आँखों से पिलाई वो नशा है के दुहाई, हर तरफ दिल के चमन में फूल बिखरे हैं गुलाबी गुलाबी गुलाबी। मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी, मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी। क्या पानी का बुड़बुड़ा क्या बालू की भीत, क्या ओछे का सूरत से कीरत बड़ी बिन पंख उड़ जा। नमस्ते महाराज जी। अखंड सौभाग्यवती रहो, सूरत से कीरत बड़ी। महाराज ये कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हो, ये कैसा नाटक है? ये नाटक नहीं जी, ये तुलसीदास के दोहे पढ़ रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, पढ़िए पढ़िए। अरे पढ़िए ना। सूरत से बेशरम, शर्म नहीं आती? माँ वहाँ मर रही है और तुम यहाँ ढोंग कर रहे हो। अरे पर देवी जी मेरी माँ को तो मरे हुए बरसों हो गए हैं। बोलते हुए अरे बोला शंकर शंभो, अरे इधर आओ मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो अरे ये तुम क्या कर रही हो भाई, अरे जल्दी आओ रे। अरे अरे जल्दी आओ, अरे भागा रे भागा। अरे
पापा छोड़ दो, अरे मैं हाथ छोड़ता पापा मुझे, अरे नहीं नहीं भागने की कोशिश की तो नहीं भागता जी, मैं गंगा मासी को खबर देती, अरे नहीं छोड़ दो मुझे बाबा, अरे मुझे जाने दे भाई, अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई अरे मैं शाम नहीं हूँ बाबा। गंगा मासी, अरे ओ गंगा मासी, क्या है शांता, जल्दी आ, तो देखा तो तुम्हारा शाम आया है। मेरा शाम आ गया, जल्दी आओ ना। अब भी आती हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। और ये तूने होलिया क्या बना रखा है बेटा, ये क्या? मैं तो माँ जी उधर साधु की टोली में भर्ती हो गया, अभी हम लोग रामेश्वरम जा रहे थे पद यात्रा पे, तो ये आपके आदमी न जाने क्या समझ के मुझे इधर पकड़ लाए हैं माँ जी, इनको बोलो मुझे जाने दो माँ जी। अरे मेरे श्याम, तू कैसी बातें कर रहा है बेटा, तू श्याम नहीं है? नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ। माँ से देख क्या रही हो, एक खींच के लगा डंडे, दो मिनट में ठीक हो जाएगा, हमेशा की तरह नाटक करा क्यों? ये क्या जरूरत है आप लोगों से नाटक करने की, पहले मैं क्यों नाटक करूंगा? क्या मुझे माँ नहीं हूँ, मेरी माँ तो मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरी तो कोई माँ नहीं। ठीक से देख, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, देख मैं तो नहीं 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 नहीं, मेरी माँ मर गई। ए शामराव, ऐसी बातें करते हो, जीती जी अपनी माँ को मारना चाहते हो? अरे साहब ठीक बात है, डांटा मत इसे, इसे किसी ने कुछ कर दिया, कुछ नहीं दिया। अरे मुझे कुछ नहीं, रो मत, मैं अभी जाकर काली मंदिर के भैरव जी को बुला कर लाती हूँ, वो ऐसा टोटका करेंगे कि इसका भूत मत क्यों भागे। क्यों क्यों क्यों, ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा तुम कर दो, आप टोटका उठ कर नहीं करो, काम नहीं नहीं देखो, ऐसा कोई मत करो, मैं टोटका उठ कर नहीं करो, मैं टोटका उठ कर नहीं करो, नहीं 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 नहीं। छूं छूं चमका, छूं छूं चमका, जय महाकाली महाचंडिका कल्याणवर्धिनी, अति विघ्नि संचय वाचनी रक्त वाहिनी, गंगा मौसी के सुपुत्र का भूत भगा दे, उसको फिर से शाम बना दे, बोल रे तू कौन है, बोल बोल। महाराज जी, महाराज जी, मैं स्वामी श्रमानंद का शिष्य हूँ। फिर वही बात, नहीं नहीं वही नहीं, बोल तू शाम है कि नहीं, बोल बोल बोल, ये तेरी माँ है कि नहीं? नहीं है साहब, नहीं है। अब फिर ना बोलता है, भीमा भयानक भीमन आदिनी, भूत प्रेत विजात सिंहारिणी, फूल जय महाकाली, तेरा पचन न जाए खाली, ऐ प्रेतात्मा तू अपनी शाम को अगर नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बोल ये तेरी माँ है कि नहीं, बोल बोल बोल। अरे बाबा मेरा नहीं है, बोल नहीं है, बोलता है, बोल नहीं है बाबा, नहीं है बाबा, बोल नहीं, बोल उसका बेटा है, दशाम है, बराबर है, बराबर है, शर्मा है, हाजी बराबर है, अभी तो मत करना भैया, बराबर है। जय जगदम्बा महाकामिनी गजकामिनी, ब्रह्मा विष्णु महेश महेश्वरानी, कल्याण कल्याण, महाकाली की कृपा से इसका भूत निकल गया है, निकल गया, गाय का निकल गया, मंडल फेंकता है। हाजी आप इसे खटिया पे सुला दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, चलो उठो। अंजना जी, ये किस लिए? आपने जर्किन दिया था ना, मैंने सोचा लौटा दूं। ना ना अपने पास ही रखो, तुम पर बहुत सजता है ये। और ये राव साहब का ना, वो क्या कहेंगे कि जर्किन लेके भाग गया? उनकी सबसे ज्यादा अजीज चीज तो तुमने छीन ली, ये जर्किन क्या, लो इसे पहन लो, लो। आप कहती तो पहन लेता हूँ। वो उधर क्या हो रहा है? ये तुम वक्त इसको बाद में रखना, जाने की तैयारी हो रही है। अच्छा वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना? हाँ। ये चंद दिन जो तुम्हारे साथ गुजरे हैं, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली मुझे। तुम्हारी ये खुशी कहीं मेरे कारण दुख में न बदल जाए, मैं इस बात से बहुत डरता हूँ अंजू। ऐसा कभी नहीं होगा। सुनो, मैं तुम्हें कितने ही दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। कहो, एक नहीं हजारों लाखों बातें करो मुझसे, मैं जन्म जन्म तक सुनती रहूंगी,
फिर भी दिल नहीं भरेगा मेरा। सुनो अंजू, मैं नहीं जानता था कि तुम इस तरह देखते देखते ही मेरा मन मोह लोगी। तुम नहीं जानती हो कि मेरे मन में आंठों पर कैसी हलचल मची रहती है। सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान लगा रहता है मुझे। ये मेरा सौभाग्य है, भगवान की सबसे बड़ी देन। मैं कितनी खुशनसीब हूं। कभी सोचती हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोगों की मीटिंग खत्म हो गई हो तो जल्दी से गाड़ी में तशरीफ रखिए, ट्रेन का वक्त हो गया। धीरे धीरे राम, प्लीज आहिस्ता खाओ। अरे खाने दो ना, गरीब का पेट भरेगा तुमको जवान देगा। भाई मुझे इसकी आदत बहुत पसंद है अंजना, पेट पूजा में कभी संकोच ही नहीं करना। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब एक साथ खा जाता है जो। कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। ठाकुर गजेंद्र बाबू आए हैं। ठाकुर साहब आए? अच्छा चलो, लो भाई तुम्हारे वो आ गए। ये व्यक्ति कौन है? वही तुम्हारे जीजा जी। मेरे जीजा जी कौन जीजा जी? हेलो, भूल गए, तुम्हारे जीजा जी। हाँ, वो जीजा जी आ गए। आनंद, आनंद। बुरा मत मानना, मगर मुझे वो जरा भी नहीं अच्छे लगते। मुझे वो जरा भी अच्छे नहीं लगते। तो फिर तुम से इतना डरते क्यों हो? मैं तो उनके बाप से भी नहीं डरता। वो क्या? तो फिर उस दिन इतना काम क्यों रहे थे? किस दिन? उस दिन जब हम आए थे। अच्छा, उस दिन गए जब फरीद खान फास्ता उड़ाते थे। अब जाने दो, तुम देखो अब तमाशा। आओ गजेंद्र, आओ आओ। लो भाई, ये तुम्हें लेने आ गए। बैठो गजेंद्र, बैठो, कुछ नाश्ता कर। जी नहीं शुक्रिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। साले बहनों में बड़ा प्यार मालूम होता है, आते ही ठन गई। गुस्सा थूक दो गजेंद्र, ये भी अपना ही घर है। राम दो चार दिन यहाँ ठहर गया तो कौन सी आफत आ गई? हाँ, ऐसी कौन सी आफत आ गई? आप नहीं जानती अंजना देवी, इसके इस तरह घर से चले आने की वजह से इसकी बहन और भांजे की क्या हालत हो गई? जानते हो कुक्कू बीमार हो गई? I'm really, really sorry to hear that. तुम्हारी इस तरह घर छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई, यही मेरी समझ में नहीं आता। आप बात बात में इस तरह डांटते हैं, वो अच्छा नहीं है राम। राइट। घर चलने के लिए तैयार हो? किधर भी चलने को तैयार हूँ। तो फिर चलो। पहले तुम चलो। बहुत बातें बनाना सीख गए, घर चलो तो पता चलेगा। तुम भी घर चलो तो पता चलेगा। अरे भाई गजन, छोड़ छोड़, सुबह सुबह घर आ, कुछ नाश्ता करो। अरे बलराम साफ करे, कुछ अंडा लाओ, अंडा। बैठो गजेंद्र। क्या बैल की तरह से? अरे भाई साले बहनों की ठना ठनी में असली बात हम भूल ही गए। भाई गजेंद्र, मंगनी का मुहूर्त कब निकलवा रहे हो? जवाब कही नहीं, जब तुमको नहीं जवाब कही। अरे भाई कह दिया जब तुमको। ये सब आप ही लोग आपस में तय कर लेंगे, कोई हमसे नहीं पूछेगा कि हमारा क्या ख्याल है इस मामले में, हमारी क्या राय। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? आराम की बहुत खा चुके हो, सीधा घर चलो। प्लीज एक्सक्यूज मी, जरा मुझे उनसे बात करनी। वो आपसे जो बात करनी थी वो तो बीच ही में रहेगी, उसकी तो कुछ बात करने के लिए बहुत वक्त है। सीधा घर चलो, चलो चलो। टाटा अंजू, टाटा, बैठ जाओ। नमस्ते राव साहब, नमस्ते अंजना जी। बाय बाय, बाय बाय, बाय हो गए, बैठ जाओ। बाय 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 बाय। बेटी सुलक्षणा,
बेटी सुलक्षिणा जल्दी नीचे आओ, अपना रामू वापस आ गया है। हाँ हाँ, तो तू जा, बड़ा युद्ध करके आया है ना तेरा लाडला, बस्ती में फूल पता के बाद जा। पिकली बम पक टपक बम टबीर बम बम पक पक टबीर बम बम तू। हाय हाय, थक्का बना के आया है। जरा इसकी बातें सुननी थी माँ, क्या पटापट कैंची की तरह जबान चल रही। दो दिन ससुराल की हवा क्या खाई, माथा चढ़ गया है नमक हराम का, चल। अरे पूछ सकता हूँ ये मुझे धक्के किस लिए दिए जा रहे हैं? तो और क्या, तुझे सर पे बिठा ले, मारे हंटरों के खाल उधर दे कमबख्त की बेटा। किस लिए भागा था घर से, मैं पूछता हूँ किस लिए भागा था घर से, बोल। घर से तो मैं अरे ये भाई बहन की मिली भगत है, भिनक पड़ गई होगी कान पे कि कागज पर दस्तखत करने हैं। कौन से कागज पे दस्तखत करने हैं? बनता है मेरे भाई, मेरे अच्छे भाई, कहाँ चले गए थे तुम, कहाँ चले गए थे अपनी बेसहारा बहन को छोड़कर? तुम्हें मुझ पर से बताया भी नहीं आए। बोलो रामू बोलो। बंद करो ये नाटक सुलक्षिणा और हट जाओ बीच में से। आज इस पाजी की मैं अवगत बनाऊंगा कि शक्ल पहचानी नहीं जाए। नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरे भाई को मत मारिए, इसे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हमारे कुल की यही एक निशानी, इसकी दौलत जायदाद सब ले लीजिए, जहाँ जो लिखाना है लिखा लीजिए, लेकिन हमेशा इसे जानवरों की तरह मत मारिए। तो कह दे अपने लाडले से कल सब कागजात तैयार हो जाएंगे, अगर अपनी खैरियत चाहता है तो सीधी तरह उन पर दस्तखत कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको वचन देती हूँ, वचन देती हूँ, जो आप कहेंगे मेरा भाई वैसा ही करेगा, मेरा रामू वैसा ही करेगा। चलो माँ। तुम्हारे कारण इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। जिस दिन से तुम घर छोड़कर गए हो, मैं कुछ खाती है न पीती है, रातों का अचानक जाग जाकर मुझसे पूछती है कहाँ गए मेरे मामा, कहाँ गए। रामू, मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता, मुझसे इसका दुख देखा नहीं जाता। तुम्हें से बात करो, तुम्हें इसे दिलासा दो रामू, मैं तो इसी तरह रोकर मर जाएगी। कुकू बेटी आंखें खोलो, कुकू बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी, बेटी आंखें खोलो। मामा 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 पिताजी, तुम्हें अंडर मारते थे इसलिए तुम मुझे छोड़ के चला गया ना। तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने तो मेरा माँ को कितना मारा, ये देखो। ये तुम क्या कर रही हो कुकू, इसमें उनका क्या दोष है? हमारी किस्मत ही खराब है, जो ना हम चैन से जी सकते हैं ना हमें मौत आती है। मैं जानती हूँ रामू, इस घर के मालिक होते हुए भी तुम्हें क्या क्या जुर्म सहने पड़ते हैं, भैया जो भी दुख होगा, जो भी तकलीफें होंगी, हम साथ रहकर बांट लेंगे। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि इस घर को छोड़कर अब तुम कभी नहीं जाओगे। हाँ मामा, अगर तुम चले गए तो पिताजी फिर नाराज होंगे और हम सबको मारेंगे। हाँ कह दो रामू, हाँ कह दो। बोले ना मामा, कह दो ना राम। देखो
तुम्हारे पाँव जाते हैं। क्या कर रही है? मेरे कदम कदम लगे देखो, जब तक तुम्हारी आंखों में आंसू बाकी है, जब तक तुम लोगों के मन में दुख की पीड़ा है, मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस घर में जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है, मैं उसको इंसाफ और न्याय में बदलने की सौगंध खाता हूं। ये हम लोग इस मंदिर में किस लिए आए हैं शांता? लोग मंदिर में लोग किस लिए आते? भगवान की पूजा करने। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम जो भी कहती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने बदल गए हो तुम। पहले तो मैं तुम्हें एक आंख नहीं भाती थी, बात करते ही बस मारा करती थी। अब कितने अच्छे हो गए। जो भी कहती हो चुपचाप सुन लेते हो। हाँ हाँ हुई करोगे या कुछ बोलोगे भी? क्यों? दरअसल मुझे डर लगता है शांता, अगर मैं तुम्हें कुछ कह बैठूं तो तुम्हारा मेरा ये साथ छूट जाएगा। अरे ऐसी जगह पर ऐसी गंदी बात मुझसे नहीं निकालते। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें हमेशा मेरे ही बनाए रखे। और जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है ना, भगवान उसकी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराते। हाँ चलो मुंह खोलो, प्रसाद खा लो। आपस में ही मुंह मीठा कर लिया बेशरम, सहेलियों को भूल गई।
सिगरेट नहीं मांगता बाबा, पढ़ने दो ना। एक बीड़ी पीजिए। पर काहे को जान का से बोल दिया ना, नहीं मांगते बोल दिया जाते बोल दिया पट्टा मेरी बॉडी की उठिस्टा में उसका इंतजाम कर मारे। अब नहीं बात बात नहीं बोलता, आप पढ़िए पढ़िए। नमस्कार गजेंद्र बाबू। गुड मॉर्निंग साहब जी। गजेंद्र बाबू साहब जी, वकील साहब जी, कागजात सब तैयार हैं? तैयार है ना, बम्मन जी का सब दे दिया। अरे बोमन जी क्या बोलता है, ऊपर से तुम्हारे कुमार साहब को बुलाने की ट्राई करे, हमको कोर्ट का टाइम हो देखो ना। मुनीम जी। सरकार। ऊपर से कुमार को बुला लाइए जल्दी। अब भी लाया साहब। रामू याद है ना मैंने जो कहा है, नीचे जाकर चुपचाप जहां भी वो कहे दस्तखत कर देना, समझे भैया? हाँ दीदी। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, ईश्वर करेगा सब ठीक हो जाएगा। कुमार बाबू। क्या है बे? है? नीचे गजेंद्र बाबू बुला रहे हैं, चलिए जल्दी। अच्छा मैं चलता हूं। This is an impossible situation. साढ़े दस तक ही गया। Excuse me, गजेंद्र बाबू, I have to go. अरे बामन जी, पांच मिनट ठहर जाइए ना। एक घंटे के ऊपर हो गया। This is too much, really too much. राम, राम। सॉरी जेंटलमैन, आई एम लेट। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम नहीं जानते आज कागजात पर दस्तखत करने? बमन जी कागजात पर साइन करवा लीजिए। हाँ जोनी बाबा, तुम तो सच्चे लेजिस्लेटिव चो, हाँ तो जल्दी साइन कर दो। थोड़ा देख ले, और देख लो देख लो, पर जल्दी। हाँ क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे? आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा, इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे, क्यों सर? अरे पर ये लोग तो बटा था कि तुम आते और सिग्नेचर करके आए। क्या ये लोग बटाटा था? तुम आते और सिग्नेचर करके आए। कौन लोग बटाटा था? अरे यही लोग बटाटा था। क्या बटाटा था? कि तुम आते और साइन करते है कागज पर। हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करता है साहब। तो साइन नहीं करने का? आई एम वेरी वेरी सॉरी, हाँ वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो बच्चे बताए तुम्हें खेल ले जाओ, तुम्हें भी खेल ले जाओ। टांडो टांडे टांडो नहीं पांडो नहीं विक्रा पूता जाओ तो साहब जी का जेंडर बाबू। रामू ये चमत्कार कैसा, ठाकुर गजेंद्र तुम्हारे हाथों मार खा के भाग गए, ये मैंने क्या देखा? जालिम के थोबड़े पर तुमने इंसाफ का एक जन्नाटेदार थप्पड़ देखा है हरिदादा। क्या समझते हैं ये दुष्ट लोग कि ये जुल्म करते जाएंगे और जनता सब चुपचाप सहती जाएगी? नो, भगवान ने राम को दुष्ट निग्रह और शिष्ट परिपालन करने के लिए एक दूसरा रूप देकर इस घर में भेजा है हरिदादा। राम
खान कर चुप रहे बेशरम चुप नहीं आते बेशरम मुझे बुलाया कुमार बाबू मुनीम जी जी यूनियन की इस मांग पे हमने गौर किया जी अगर मिल को हर साल इतना फायदा होता है तो इन गरीब मजदूरों को इनका हक क्यों ना दिया जाए यूनियन के इस एप्लीकेशन पे हमने सोचा है कि इनको 3 महीने का बोनस दिया जाए आप लोग जा सकते हैं बहुत शुक्रिया ये आप क्या गजब कर रहे हैं कुमार बाबू क्या गजब कर रहे हैं आज इनकी एक मान लेंगे तो कल ये 10 लेकर सामने आ जाएंगे सरकार रुपयों का इस तरह नाश करने से पहले मुझसे न सही तो कम से कम गजेंद्र बाबू से तो मशविरा कर लिया होता गजेंद्र बाबू कौन होते हैं और आप कौन हैं मैं कोई नहीं सरकार ये रुपया ना तो गजेंद्र बाबू का है ना आपका है और ना मेरा है कुमार बाबू आप इन मजदूरों की फितरत को नहीं जानते मैं इन मजदूरों की फितरत को जानू ना जानू आपकी फितरत को अच्छी तरह पहचान गया मुनीम जी 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 हाँ बड़ी देर से इन किताबों को देख रहा हूँ मैं ये सारी किताबें गलत है सब बनाई हुई है एंट्रीज गलत हैं, खर्चे गलत हैं और अखराजात के वाउचर्स नहीं हैं। इस हिसाब किताब रखने की नौकरी पर से आपको डिसमिस क्यों न कर दिया जाए मुनीम जी कुमार बाबू मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सरकार 20 साल से सेवा कर रहा हूँ आप 20 साल से आप सेवा नहीं कर रहे हैं 20 साल से आप बराबर चोरी करते चले जा रहे हैं एक एक पाई का हिसाब लूंगा अगर मुझे हिसाब ना मिला तो खाल खिंचवा के मैं भूसा भरवा दूंगा उसमें मुनीम जी बिल्कुल करेक्ट Your Lordship is quite justification in this हिसाब किताब का गड़बड़ीकेशन मैं 3 साल तक कोमिला बैंक में अकाउंटेंट था 2-3 जीरो मेरे हाथ से क्या इधर उधर हुए कि पूरी बैंक ठपास हो गई आप हैं कौन और आप यहाँ आए कैसे हैं बिल्कुल ठीक सवाल मुझे मालूम था आप यही सवाल पूछेंगे वो कागल गांव का नाम सुना आपने कागल गांव वही अपना कागल गांव वहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ की सारी पंचायत ने मुझे आपके पास नौकरी के लिए भेजा है क्या जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डोंट वरी सर मैं इनका पूरा काम का संभाल लूंगा आप जा सकते हैं मुनीम जी जाइए जाइए जाओ ना बेकम्बख्त तू है कौन जो मेरी 20 साल की नौकरी पर मुंह मारने आया है वाह कमाल करते और आप 20 साल तक ये हाथ मारते रहे हो उसका कुछ नहीं हाथ मारने वाले के बच्चे तुझे अंदर आने किसने दिया निकल यहां से गेट आउट कुमार बाबू बोलिए नहीं से बोलिए बोलिए साहब बोलिए इनकी पोजीशन है मुझे गेट आउट करने की ये गेट आउट हो या मैं गेट आउट हो जाऊं आप ही इंसाफ से बात कीजिए देखिए मुनीम जी मौजूदा सिचुएशन में बेहतर तो यही होगा कि आप ही गेट आउट हो जाइए जी आप ही गेट आउट हो जाइए और आपका जो हिसाब किताब है जहाँ उसकी जांच पड़ताल कल से यही करेगा कुमार बाबू आप ये क्या कर रहे हैं ये कल का छोकरा और मेरे हिसाब किताब की जांच पड़ताल करेगा आपको कुछ इसमें एतराज है कुछ नहीं कुमार बाबू तो फिर जाइए अच्छी बात है कुमार बाबू जब आपने मार मार के गजेंद्र बाबू का धुआं उड़ा दिया तो फिर मैं किस खेत की मूली हो सका तो जाइए जाइए कहां से आ मरा महाराज महाराज कितनी दर दर की ठोकरे खाने के बाद आज प्रभु के दर्शन हुए हैं मैं कदे तुझे मजाक तुझे तुझे मालूम है कि मेरी जान यहाँ किस मुश्किल में पड़ी है मैं कौन सी डिफिकल्टी में हूँ डोंट वरी सर डोंट वरी जो भी डिफिकल्टी में हो उस डिफिकल्टी में मेरा थोड़ा सा अलंगा आरा लीजिए श्याम राम मत बोल रामचंद्र राव रानी शोर मचा रखा था यहाँ ये क्या मेरा बर्थडे केक है आप भी लीजिए ना पिताजी मैं ये बेहुदा चीजें नहीं खा गजेंद्र बाबू मैं कहता हूं मुंह खोलो गजेंद्र
शर्म नहीं आती अपनी बच्ची के इस जन्मदिन पर ऐसी बदशगुनी करते हुए? खबरदार आइंदा इस घर में ऐसी कोई बेहूदा हरकत की तो जा यहां से। अरे ठहरे 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 देखो दीदी, देखो मुन्नी की आंखों में से मोती टपका है। कैसे चमक रहा है देखो दीदी, ये कैसे चमक रहा है, जैसे इसमें से सूरज की किरणें फूट फूट कर निकल रही हूं। हम इस अनमोल मोती को मुट्ठी में बंद कर लेंगे, हम मुन्नी को नहीं देंगे। फिर मुन्नी को आएगी हंसी, देखो आई, देखो आई, देखो आई, देखो आई, 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 हैप्पी बर्थडे। आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बाहर मिटे जुल्मों सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, उजाला चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला। नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, आने वाला नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओ मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, चुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। ओ आई है बहारे मिटे जुल्मों से दम, प्यार का जमाना आया दूर हुए हम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब ना होंगे मजबूरी के इस घर में अफसाने, अब ना होंगे मजबूरी के इस घर में अफसाने, प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने बेगाने, प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने बेगाने। ओ सबके दिन फिर जाएंगे, मंजिल अपनी पाएंगे, सबके दिन फिर जाएंगे, मंजिल अपनी पाएंगे, जीवन के तराने मिलके गाएंगे हर दम। ओ आई है बहारे मिटे जुल्मों से दम, प्यार का जमाना आया दूर हुए हम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब ना कोई नौकर होगा और ना कोई आता, अब ना कोई नौकर होगा और ना
अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम। आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम, हो आई है बहारे मिटे जुल्मों से कम, प्यार का जमाना आया दूर हुए हम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अरे हरी दादा, इसे अभी से यहाँ क्यों ले आए? ये तो कल लड़की वालों के साथ जाएगा। जाइए अंदर रख दीजिए। इधर उन सबके आने का वक्त हो गया है और इन मुनीम न जाने सुबह से कहाँ गए। नमस्कार नमस्कार सुलक्षणा जी, नमस्कार। आइए। लो भाई, हम तो अपनी टोली को लेकर आ गए। कितने सुंदर लग रही हो, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। आप श्याम राव। अरे वो भाई श्याम, एक कुर्सी पर बैठे बैठे क्या खड्डा खोद रहे हो? घर से टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहे हैं, मंगनी की सारी तैयारी हो चुकी है। घर जाओ ना यार, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं ये मंगनी नहीं कर सकता हूँ जाहिर। तो तुमको पता है कि अंजना मुझे राम समझ कर मिली। राम समझ कर ही उसने मुझसे प्यार किया। अब अगर उसे किसी दिन हकीकत का पता चला तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। वाह वाह वाह, अरे वाह। अरे अपने आप को इतना ही इंसाफ की तोप समझते हो तो उस बिचारी के साथ इतने दिन ये डंपक डंपक क्या कर रहे थे? हाँ, सब कुछ सारा खोल के बता देते। कई दफा कोशिश की, कई बार मैंने चाहा भी कि हिम्मत करके से सब कुछ बता दूं, लेकिन कुछ मौका ही नहीं मिला, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब माफ करना राव साहब, हमारी वजह से आप सबको ये कष्ट हो रहा है। सुलक्षणा, अंजना को ऊपर ले जाओ, राम के आने तक जरा आराम कर ले। चलो बहन। अरे ओ नेपोलियन, इधर क्या घूमता फिर रहा है? उधर सब मिलिट्री तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे बाबा, कुछ फैसला किया कि नहीं? रात के 11 बज चुके हैं, अब और इंतजार करना बेकार मालूम होता है। सुलक्षणा देवी, ऊपर से अंजना को बुला दीजिए, हम लोग यहां से जाना चाहते हैं। राव साहब, भगवान के लिए थोड़ी देर और ठहर जाइए, मेरा रामू जरूर आएगा, जरूर आएगा। हद होती हर बात की, इन सब लोगों के सामने अच्छा खासा मजाक हुआ है हमारे साथ। हमें क्षमा कर दीजिए। मेरा रामू आ गया, राव साहब मेरा भाई आ गया है, मेरा भाई आ गया। अब वो आ गए तो आप रोने लगे, ये क्या? अच्छा, वो देर से इसलिए आपको गुस्सा आ गया ना? लेकिन आप नीचे चलिए तो सही, हम मामा को खूब डांटेंगे, खूब गुस्सा करेंगे और एकदम डरा देंगे। चलिए चलिए। क्या बात है, क्या बात है दीदी, आप रो क्यों रही है? बोलो ना माँ, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी, राम तो ठीक है ना? बोलो ना माँ, मामा को तो कुछ नहीं हुआ। बोलो ना दीदी, क्या हुआ? बोलो ना माँ। दीदी बोलो ना दीदी। माँ तुम चुप क्यों? बोलो ना मामा को क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, बोलो ना।
तो जान ही निकल गई थी। ऊपर सुलक्षणा दीदी को देखकर वो ऐसे रो रही थी, मैं समझी जाने क्या हो गया। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हैं? क्या बात है डैडी? इसी कमबख्त से पूछो कि क्या हुआ। क्या हुआ राम, तुम चुप क्यों हो? बोलो क्या हुआ? मुझे क्षमा कर देना अंजना, मैं ये मंगनी की रस्म पूरी नहीं कर सकता। मैं तुमसे इस तरह शादी भी नहीं करूंगा। अपने जमीर को मैं इस तरह धोखा नहीं दे सकता। मैं जानता हूं मेरी इस बात से तुम्हें बहुत दुख पहुंचेगा, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलता हूँ बेटी, चलता तूने डाल के जादू
रूप का तूने दिल मेरा छीना। कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। ओ लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते। हाँ बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। कुछ नहीं, चक्कर आ गया। राम 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 राम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शांता है, शांता। वो तुम्हारे साथ कौन था? वो तो मेरे होने वाले वो है। अरे आपके माथे से तो खून बह रहा है, आप ठीक तो है ना? बेटी इस वक्त मैं गाड़ी चलाने काबिल नहीं, तुम मेरे साथ चलकर मुझे घर छोड़ दोगी? ठीक है, लेकिन मैं मामा से बोला और आते आते गाड़ी भी लेती आऊंगी, आप यही रहिएगा। हाँ क्या बात है बेटे? इस घर में कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है मां। वही राम जो मेरे साये से डरता था, मेरी आवाज सुनकर कांप उठता था, आज वो मुझे इस कारण से देखता है जैसे मुझे जिंदा निकल जाएगा। मैं जो कहती थी बेटे, ये पट्टी जरूर राम साहब की पढ़ाई हुई है। फजूल की बातें ना करो मां, अगर ऐसा होता तो राम मंगनी से कभी इनकार ना करता। जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है और उस राज से हमारी जिंदगी बंधी हुई है। मैं इस राज की तह तक पहुंचकर ही दम दूंगा मां। उम्र गुजर गई लेकिन ऐसा बदचलन आवारा फरेबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और ये तुम्हारा पागलपन है जो कि उसकी याद को अब तक दिल से लगाए बैठी हो। डैडी, उनको अपना समझकर मैंने मन में जो जगह दी थी उन्हें मैं वहां से गिरा नहीं सकती। उनके बारे में ऐसी हल्की बातें सुनती हूं तो मुझे जिल्लत सी महसूस होती है। होगी कोई मजबूरी जो मेरा साथ नहीं दे सके। वो मजबूरी नहीं थी, मकारी थी, फरेब था। राम ने हम सबको एक बहुत बड़ा धोखा दिया अंजना। वो लड़की जो नीचे बैठी है उसके साथ वो कमजर खुलेआम प्यार का नाटक खेल रहा था। आपको गलत फहमी भी हो सकती है डैडी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो खुद जाकर उसे नीचे पूछ लो, इसीलिए मैं उसे साथ लेकर आया हूं। बहन कैसे है तुम्हारे बापू, ठीक तो है ना? हाँ ठीक है।
तुमने बहुत बड़ा उपकार किया जो उन्हें जख्मी हालत में यहाँ तक छोड़ने चली गई। इसमें उपकार की क्या बात है बहन, मेरे भी तो पिता समान है वो, और जब उनके माथे से टप टप खून बहने लगा तो मेरे मन में दया आ गई, इसीलिए जब उन्होंने साथ चलने के लिए कहा तो मैं तुरंत ही चली आई। पर अब मुझे जल्दी घर पहुँचा दो, बहुत देर हो गई है, मुझे डर भी लग रहा है। घबराओ नहीं, उसका बंदोबस्त हो चुका है। सुनो, तुमने अपना नाम शांता बताया ना? हाँ, क्यों? तुम कुमार रामचंद्र जी को जानती हो? लो, रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता, वो तो भगवान है, सारी दुनिया उनकी पूजा करती है, मैं भी करती हूँ। भगवान रामचंद्र जी नहीं, कुमार रामचंद्र जी को पूछ रही हूँ। वो रानी खानदान के बहुत बड़े रईस हैं, काफी मिले हैं, फैक्ट्री हैं बहुत। वो हाय राम, इतना बड़ा धनवान आदमी हमारे गांव में कहाँ से आया बहन? फिर वो तुम्हारे साथ कौन थे जो पिताजी को देखते भाग गए, मेरे मतलब चले गए? वो कौन थे? वो क्या लगते हैं तुम्हारे? मुझे लाज आती है। उनका नाम कुमार रामचंद्र तो नहीं ना? वो तो हमारी गंगा मौसी के लड़के हैं, बहुत बड़ी खेतीबाड़ी है उनकी। कब से जानती हूँ उन्हें? मैं तो बचपन से ही उनके साथ खेली बड़ी हुई। पहले तो दिन रात ऐसी उधम मचा रहे थे कि कुछ ना पूछो, लेकिन अब ठीक हो गए हैं। हम लोग है ना उन्हें श्याम कहकर बुलाते हैं। श्याम? मैं जानती थी ऐसे कभी नहीं हो सकता, मेरे पिताजी से भूल हो गई शांता, भारी भूल हो गई। क्या भूल हो गई है, कैसी भूल हो गई है? कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। लो गाड़ी आ गई, तुम्हें देर हो रही है, अब तुम जाओ। हाँ, मगर देखो शादी में हमें भूल ना जाना। अच्छा तो मैं चलो। मेरे शाम की तस्वीर यहाँ कैसे आई? ये शाम की नहीं राम की तस्वीर है शांता, तुम शायद भूल कर रही हो। लो, पाप ना लग जाए मुझे जो पराय मर्द को अपना कहूँ। मैं तो आंखें बंद करके पहचान सकती हूँ इसे, ये मेरा शाम ही तो है। नहीं नहीं, ये शाम की नहीं, कुमार रामचंद्र की तस्वीर है। इनके साथ मेरी शादी होने वाली थी, और ये मन घड़त रिश्ता जो तुम उनके साथ जोड़ रही हो ना, बिल्कुल झूठ है, सब झूठ है। चली जाओ यहाँ से, चली जाऊंगी। मुझे मेरे शाम की तस्वीर दे दो, इसे अपने पास रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इधर लाओ, बको मत, छोड़ो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ो, और चली जाओ यहाँ से। अंजना, खबरदार जो तुमने इस लड़की को एक लफ्ज़ कहा, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? कसूर तो इस कमज़ोर का है जो अपना नाम बदल कर तुम दोनों की जिंदगी से खेलता रहा। बेटी, तुमने यहां आकर हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया, मेरी मानो तो उस मक्कार से तुम भी दूर ही रहो तो बहुत अच्छा है। राव साहब, मुझे राम की इस चालबाजी पर बड़ा अफसोस है, लेकिन अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ कि उसका दूसरा रूप भी सामने आ गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सब यूं ठीक हो जाएगा। मान कपटी, इधर गैया बन के मेरे साथ नाटक करता रहा, उधर छैला बन के राव साहब की बेटी पर भी डोरे डाले तूने। ठहर जा, गंगा मौसी से कहकर तेरा सारा भरम चौपट न कर दिया तो मेरा नाम भी शांता नहीं। तुमको मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी हो रही है? मैं अंधी हूँ या खोपड़ी चल गई है मेरी? अपनी आंखों से तेरी तस्वीर उस छोकरी के घर देख कर आ रही हूँ। अच्छा, अगर तू इतना ही मियाँ मिट्टू था तो उस बुढ़ाव को देख कर भाग क्यों गया? मैं इसलिए उनको देख के भागा था कि वो अपनी लड़की की शादी मुझसे करा देना चाहते थे। क्या कहा? भाई अगर तुम बात बात पे इतना चिल्लाओगी तो तुमसे कोई बात भी कैसे करेगा शांता? तेरा ये मंत्र वंतर मेरे आगे चलने वाला नहीं श्याम राव। मेरा नाम श्याम राव नहीं है, मेरा नाम श्याम राव नहीं है। तो क्या गोकुल के कृष्ण कन्हैया हो? नोक वाला पत्थर मारूंगी तो झूठ बोला मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। उस दिन भी मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन जबरदस्ती सब लोग मुझे तालाब पर से पकड़ के घसीट लाए और मार मार के भुरकस भर दिया। मेरा तो मरता क्या ना करता, मैं भी चुप हो गया। क्या करता बताओ? तुमको तो पता नहीं शांता, मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा था, घर से।
अब वो मेरे वो है ना वो कागज पर मेरे दस्तखत लेके ना और मुझे मार डालना चाहते थे, वो मेरी जान लेना चाहते थे, वो राक्षस। राक्षस? हाँ। कौन राक्षस? मेरी बहनोई, मेरी बहन के साथ जिनकी शादी हुई है वो। हाँ, ये मेरा जिक्र कर रहा है शांता जी। बात हो तो श्री रामचंद्र जी अपने सीता के साथ यहाँ वनवास में हैं। देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। ए, खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया इसे, गर्दन काट के रख दूंगी। बेवकूफ लड़की, जिसे बचाने के लिए तू अपनी जान खतरे में डाल रही है वो तेरा श्याम नहीं बल्कि हमारे घर का पागल लड़का राम है। राम, ये जो भी है मेरा है, अगर किसी ने इसका बाल भी बांका किया तो मैं इसकी जान ले लूंगी। ठीक है, इसे भी साथ ले चलो। हेलो, कौन? गजेंद्र जी। राव साहब, आखिर हमारा ख्याल ठीक ही निकला। जिसे हम राम समझते रहे वो दरअसल राम नहीं बल्कि एक निहायत ही खतरनाक बेरूपिया है। हाँ, उसके खिलाफ एक और बहुत भारी सबूत मेरे हाथ आ गया है। तो तुमने पुलिस को खबर की? जी हाँ, कल इंस्पेक्टर कामत अंजना देवी के जन्मदिन पर हाजिर रहेंगे। और हाँ, आपने दावत का इन्विटेशन उस धोखेबाज को भेज दिया? हाँ, शाम तक कार्ड उसे मिल जाएगा। बहुत अच्छा, नमस्ते। अब तुम फंस गए राम। बड़ी चालाकी और खूब जतन किए तुमने, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। राव साहब के इस दावतनामे का क्या जवाब दोगे? मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतना सब होने के बावजूद राव साहब ने अंजना के जन्मदिन का न्योता हम लोगों को कैसे भेज दिया। ये तो राव साहब का बड़प्पन है, जो हमारी इतनी बड़ी भूल को उन्होंने इस तरह माफ कर दिया। रामो, हमारे कारण राव साहब और अंजना को जो दुख पहुंचा है उसे दूर करने का इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा। हमें वहां जरूर जाना चाहिए। क्यों, जाओगे ना? हाँ, जरूर जाऊंगा। दादी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा तुम्हें। आओ आओ। जन्मदिन मुबारक। कोई सोच भी नहीं सकता कि देखने में ऐसा सीधा साधा आदमी इतना कपटी और मक्कार भी हो सकता है। जन्मदिन मुबारक हो अंजना। इस तोहफे के साथ ही खत है, अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो मेरे मन का एक बहुत भारी बोझ हल्का हो जाएगा। जानता हूं मैं तुम्हारी नजरों में बहुत गिर गया हूं, लेकिन तुमसे बात करने का सिर्फ मौका चाहता हूं अंजना। इसकी कोई जरूरत नहीं है राव साहब। अब इस ड्रामे पर से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। हाँ, तुम जाओ। सुनिए सुनिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा गौर से सुनिए। मेहमानों के इसरार और राव साहब और मेरी दरख्वास्त पर आज के शुभ मौके पर कुमार रामचंद्र जी आपके सामने एक निहायत ही सुंदर गाना पेश करेंगे। उम्मीद है कि वो हमारी इस ख्वाहिश को ठुकराएंगे नहीं। ये आपने क्या किया? मन की बात कहने के ऐसे अच्छा मौका और तुम्हें कब मिलेगा, और वो भी सबके सामने। गाओ, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। हराम, इसमें शर्माने की क्या बात है, उस दिन कैसे गाया था तुमने। जाओ ना, अंजना का मन भी खुश हो जाएगा। Thank you.
जैसे दुल्हन बन गई चरागों से करूंगा और उजाला मैं दिल के दागों से आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले दिल की सलामी ले ले कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले दिल की सलामी ले ले से नहीं आज भी इनकार मुझे तेरा मैं खाना सलामत रहे ऐ जान वफा मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाए तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले दिल की सलामी ले ले बता दूं मैं हकीकत अपनी तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले दिल की सलामी ले ले तू मेरा साथ न दे रहा है मोहब्बत में सनम चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा कहकशां चांद सितारे तेरे चूमेंगे कदम तेरे रास्ते की मैं एक धूल हूँ उड़ जाऊंगा साथ मेरे मेरा अफसाना चला जाएगा कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा शम्मा रह जाएगी परवाना
चला जाएगा आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले दिल की सलामी ले ले। पूछो इस भरी सभा में मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? पूछो पूछो मुझसे। मैं आपसे कुछ पूछना नहीं चाहता राव साहब। राव साहब अगर आपके मन में हमारे लिए इतनी घृणा थी तो हमें यहां बुलाने की जरूरत क्या थी? आपने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया ठीक नहीं किया। ठीक क्या है गलत क्या है अभी आपके सामने आ जाएगा सुलक्षणा जी। ये चांदाल जिसने आपके घर में सबके सामने हमें जलील किया सारी बिरादरी के सामने हमारी बेइज्जती की आज अपनी मक्कारी और धोखेबाजी की कीमत सबके सामने चुकाएगा। स्वर्गवासी राजा यशवंत राव राणा की औलाद इतने घोर अपमान के बाद भी चुप है आज हमारे बहादुर राम को क्या हो गया? अपनी सफाई में कुछ तो बोलो। किस मुंह से बोलेगा ये बात? सुलक्षणा जी ये बहरूपिया जिसे आप अपने खून का रिश्ता समझती हैं जिसे दिन रात भाई कहते आपकी जबान नहीं थकती दरअसल ये नीच इंसान आपका भाई नहीं है। राव साहब ठीक कहते ये मक्कार तुम्हारा भाई नहीं और न ही इसका नाम राम। तुम्हारे राणे खानदान से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा भाई इसलिए नहीं है कि अब आप इस पर मनमाने अत्याचार नहीं कर सकते इसे जानवरों की तरह खूंटे से बांधकर इसकी खाल नहीं उधेड़ सकते। हमारे खानदान से इसका ताल्लुक इसलिए नहीं क्या बाप के सामने सर उठाकर खड़ा हो सकता है आपके हर अन्याय का मुकाबला कर सकता है इसलिए आप ये सब कह रहे हैं ना? तुम्हारा भाई ये इसलिए नहीं कि जिस माँ बाप की तुम संतान हो उसी माँ बाप का ये बेटा नहीं। राम के रूप में हम सबको धोखा देने वाला ये आदमी तुम्हारा भाई राम नहीं बल्कि कागल गांव की एक मामूली किसान औरत का बेटा श्याम है। श्याम राव साहब बुलाइए इसकी माँ ताकि सब लोग अपनी आंखों से देख लें कि इसका असली रूप क्या है। बलराम बुला उसकी माँ को। श्याम श्याम मेरे लाल तू फिर घर छोड़कर भाग रहा तुझे क्या हो गया है मेरे लाल? ये सब लोग कौन है और तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बेटा बोल बेटा किस लिए बुलाया? तुम कौन होती हो इसे बेटा कहने वाली? ये तुम्हारा बेटा श्याम नहीं बल्कि मेरा भाई राम है। राम इसे कह दो कि तुम इसके बेटे नहीं। कह दो भैया क्या क्या तुम मेरे बेटे को इतना नीच और दुष्ट समझती हो कि मुझसे कह देगा कि मैं इसकी माँ नहीं? इधर आ बेटा तू ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ और तू मेरा बेटा नहीं है? इधर देख बेटा तू ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं और तू मेरा बेटा नहीं? बोल बेटा ऐसा कहेगा? बोल मेरे लाल ऐसा कहेगा तो ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ? बोल बेटा क्यों नहीं कहेगा? सच बात कहने में किसी का डर है क्या? तुम इसे कह दो राम कि तुम्हारा इसका कोई रिश्ता नहीं। तुम इस औरत को नहीं जानते कि कौन है और कहाँ से आई। कह दो कहते क्यों नहीं? अरे वाह अच्छा सबक पढ़ा रही हो। क्यों बेटा श्याम तुम ऐसा कहोगे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैंने तुझे पाला पोसा नहीं अपना खून जला जला कर मैंने तुझे बड़ा नहीं किया बेटा? बोल बेटा आज इन धनवानों के कहे में आकर अपनी गरीब माँ को ठुकरा देगा मेरे लाल? मुझ पर इतना बड़ा अन्याय करेगा? नहीं मेरे लाल ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ? बोल बेटा ऐसा कहेगा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ? नहीं माँ रो मत तू रो मत माँ रो मत रो मत तो फिर मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? ये जानने के लिए तुम्हें अपने सीने पर पत्थर रखना होगा सुलक्षणा। पत्थर रखना होगा क्यों? इसलिए कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, नहीं। ये ठीक है सुलक्षणा राम से मिलती जुलती शक्ल का फायदा उठाकर यही चंडाल राम को हमारे घर से भगा ले गया
राणे खानदान की दौलत को हत्याने के लिए इसने राम का खून किया और फिर खुद राम बनकर हमारे घर में घुस आया। ये आदमी जिसे कि तुम अपना भाई समझती रही हो, दरअसल में तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का कातिल है। पुलिस ने इसके घर से राम के खून आलूदा कपड़े भी बरामद किए हैं। झूठ बात है। झूठ क्या है और सच क्या है ये अभी सबके सामने आ जाता है। कांस्टेबल, आई एम सॉरी मिसेस गजेंद्र, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मुझे आपको चंद बातें पूछनी है। ये लॉकेट आपके भाई कुमार रामचंद्र का है? ये कपड़े अच्छी तरह से पहचान के जवाब दीजिए। ये कपड़े मेरे भाई के हैं, मेरे राम के, मेरे राम के। बता मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तेरा जो तुझे मार डाला? क्यों मार डाला मेरे भाई को? क्यों मार डाला भाई को? क्यों मार डाला? क्यों मार डाला? क्यों मार डाला? मिस्टर श्याम, ताजीरात हिंद दफा 419 और 301 के मातहत भेष बदली और कुमार रामचंद्र के खून के जुर्म में तुम गिरफ्तार किए जाते। ये सब गलत बात है इंस्पेक्टर, ये सब इस आदमी का फरेब है, इसी की सारी मक्कारी है। मैंने कोई किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। गार्बेज में शूटर किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर। अभी फैसला होता है इंस्पेक्टर। तुम राणे खानदान की दौलत को ये कमबख्त खुद हत्याना चाहता है। नहीं चलेगा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर, मैं तुमसे बदला लूंगा। ले जाओ। मत मारो उसे, मत मारो उसे, मैं तुम लोग के हाथ छोड़ दूँ, छोड़ दो उसे। बंद करो ये सब। सब क्या हो रहा है? अब अच्छा तो किसी ने इसको परेशान किया था। आओ राम, आओ नीचे उतर, आओ घबराओ नहीं। देखो उस लड़की को ऊपर क्यों बंद कर रखा है, जाओ उसे लेकर आओ। राम, एक मामूली से दस्तखत के लिए तुमने घर से भागकर देखो तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। खुद भी मुसीबत में फंसे और उस लड़की को भी परेशान किया, और उधर तुम्हारे लिए सुलक्षणा और कुकू का रात दिन रो रोकर बुरा हाल हो गया, तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं आया। ये लो कलम और दस्तखत करो। लो, फिर शांता को लेकर घर चले। तुम्हारी दीदी और कुकू बड़ी बेचैनी से तुम दोनों का इंतजार कर रही है। चल चलो राम, जल्दी करो, डरो नहीं। देखो राम, मत करना दस्तखत। तुम ही ने तो कहा था कि ये बेईमान तुम्हारे दस्तखत लेकर तुम्हें मार डालना चाहता है। डरो मत राम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मरना ही है तो हम दोनों एक साथ मरेंगे, लेकिन इस चंडाल की इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। खामोश बदतमीज लड़की, ये हमारे घर का मामला, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? जानती है राम मेरी पत्नी का भाई है? हाँ हाँ जानती हूँ, बड़ा प्यार छलक रहा है ना तेरे मन में। अगर इतना ही प्यार था तो हमें जबरदस्ती उठाकर यहाँ क्यों ले आया? अल्लाह कर ऊपर हवालात में बंद क्यों कर दिया? राम, इसकी बातों में मत आना, मत करना दस्तखत। राम, तुम इस जाहिल लड़की का कहा मानोगे या मेरा? इन पर दस्तखत करते हो या नहीं? ये क्या कहेगा? मैं कहती हूँ राम इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो, इन कागजात पर दस्तखत करते हो या नहीं? मेरा राम इन कागजात पर थूकेगा भी। खामोश, इधर आओ राम। क्या इस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया है जो मुझसे टक्कर ले रहे हो? अपनी जबान से कहो दस्तखत करना है या नहीं। आपसे जो बन पड़े कर लीजिए, मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। हुजूर, हुजूर, क्या है? इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
इन दोनों को ऊपर ले जाकर बंद कर दो जल्दी। ये खत तुमने पहले क्यों नहीं पढ़ा? गुस्से में थी इसलिए नहीं पढ़ी। Damned idiotic mess! अगर ये सच है तो हमने एक राक्षस के साथ मिलकर एक बेगुनाह लड़के को फांसी के तख्त तक पहुंचा दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया डैडी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कब तक तुम लोग मुझसे यही सवाल पूछते रहोगे? जब तक कि तुम अपने जुर्म का इकरार ना कर लो। पूछते रहो और जगाए रखो मुझे दिन रात। हजार साल तक मैं भूखा प्यासा रहूंगा, हजार साल तक, और फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैं बेगुनाह हूं। मेरे खिलाफ ये साजिश गजेंद्र ने की है, गजेंद्र ने। मैं ये सारी दुनिया पर साबित करके रहूंगा। सारी पानी पानी पानी। थैंक यू मिस्टर गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिनों आप कहीं बाहर तो नहीं जा रहे ना? जी नहीं। ये बहुत अच्छा हुआ। अगर किसी बात की जरूरत पड़ी तो मैं फोन करके आपको बुलवा लूंगा। साहब जो कुछ बताना था वो तो सब बता दिया गजेंद्र बाबू ने। अब और क्या बाकी रह गया इंस्पेक्टर? ये खून का मामला है हुजूर, पता नहीं किस वक्त क्या बात निकल आए। अच्छा पांडुरंगा, गजेंद्र बाबू अब चलिए यहां से। देवा देवा। हाल है श्याम राव? We'll be right back.
अंजू, श्याम पुलिस लॉकअप से भाग गया। श्याम भाग गया? कानून की हिरासत से भागकर श्याम ने यह साबित कर दिया है कि वो एक मुजरिम और अपने जुर्म की सजा से भाग जाना चाहता है। लेकिन गजेंद्र बाबू, कहीं वो कृष्ण कन्हैया की तरह मुरली बजाता हुआ हमारे सर पर आ धमका तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे ये बोलिए। हमारी आज तक हर चाल कामयाब साबित हुई है बेवकूफ, उस गधे ने मुझसे टक्कर लेकर मुंह की खाई है। वो गधा रस्सी तोड़ाकर भाग निकला है मालिक, और अभी तक कुमार राम ने कागजात पर दस्तखत नहीं किए। अगर पुलिस के कानों में भिनक पड़ गई कि कुमार राम अभी तक जिंदा है और खुद आपने ही उन्हें पनाला की गली में कैद कर रखा है और उस बिचारी शांता को भी आप ही जबरदस्ती उठा लाए हैं और शाम पर आपके लगाए हुए तमाम इल्जामात मनगढ़ंत हैं, तो शाम तो बाहर का बाहर हम सब अंदर हो जाएंगे। नहीं, पुलिस को हमारी किसी बात का पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समझे? आज की रात कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अपनी महबूबा की जान बचाने के लिए कुमार राम हमारे कदमों में गिरकर उनका अर्दास पर दस्तखत करने की आज्ञा मांगेगा, और कल दिन निकलने से पहले राम और शांता की लाशें खुद श्यामराव के खेत में गाड़ दी जाएंगी। ये सारा हंगामा सिर्फ इसलिए हुआ कि राम और श्याम की शक्लें बिल्कुल मिलती जुलती थी। लेकिन बहन जी, ऐसी मिलती जुलती शक्लें तो सिर्फ जुड़वा भाइयों में पाई जाती है। लेकिन ये सब कहने का आपका क्या मतलब है? देखिए बुरा न मानिए, मैं जानना चाहता हूँ क्या श्याम वाकई आपका अपना बेटा है? हद हो गई, हद हो गई। अरे आप ही के घर में सब लोगों के सामने उसने मुझे माँ कहके पुकारा, क्या आप लोगों ने नहीं सुना? देखिए बहन जी, गजेंद्र की जलालत ने श्याम को फांसी के तख्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि किसी बात पर आप पर्दा डालें, उस बेगुनाह की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो। नहीं राजा, नहीं, ऐसी अशुभ बात मेरे बच्चे के लिए मत करिए। भगवान करे उसकी हजारों साल की उम्र हो। ये सच है कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन अपने बेटे से बढ़कर उसे पाला मैंने। तो क्या बता सकती हैं बहन जी, श्याम आपको मिला कैसे? आज से 25 वर्ष पहले की बात है, मैं अपने पति के साथ बाबा विश्वनाथ के द्वार पर बच्चे की मन्नत मांगने काशी गई थी। दर्शन के बाद अपने पास के ही गांव में रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। रात का समय था, एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। पास जाकर देखा, एक 2.5-3 साल का खूबसूरत बच्चा उजले कपड़े पहने हुए बुरी तरह रो रहा है। चोर उसके बदन के जेवर और कानों की बालियां नोचकर उसे अकेला जंगल में छोड़कर चले गए थे। फूल जैसे बच्चे को रोते देखकर मेरे मन में ममता उमड़ आई, मैंने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उसके बाद भगवान का करना था, गांव पहुंचते ही अचानक मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा। अब देखते ही देखते वो मुझे इस संसार में अकेली छोड़कर चल बसे। मैं बेसहारा हो गई, मेरा कोई बच्चा नहीं था, पति भी नहीं रहा, मैं किसके सहारे जीती थी? इसीलिए उस बच्चे को भगवान की देन समझकर उसे साथ लेकर मैं चली आई, और अपना ही बच्चा समझकर मैं उसे पालने लगी। राय साहब, कुछ समय बाद पता चला था कि राजा यशवंत राव के जुड़वा बच्चों में से वो एक था जो काशी में गुम हो गया था, मगर मैं तब तक उससे बड़ा प्यार करने लगी थी। उसके मुंह में इतनी फंस गई थी कि उसके बिछड़ने की बात सोच करके भी मैं कांप जाती थी। ये मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, यही मेरा कसूर है। तो मेरा ख्याल ठीक ही निकला, राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं। हाँ राजा, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ राजा, मेरे श्याम को मुझसे अलग मत कीजिएगा, उसको मुझसे छीन मत लीजिएगा राजा, मैं मर जाऊंगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। श्याम, अगर मुझे किसी और माँ ने जन्म दिया है तो अपने प्यार और श्रद्धा की छांव में तो मुझे तुमने ही पाला है। मां श्याम, श्याम, मेरा बच्चा, तू आ गया? हाँ मां, मैं आ गया।
सुनो माँ सुनो, मैं तुमसे ये सच कहने आया हूँ कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का खून नहीं किया। माँ, एक मजलूम औरत जिसने मुझे भाई कहकर पुकारा, एक मासूम बच्ची जिसने रो रो कर मेरी इंसानियत को आवाज दी, उन दो मजलूमों के आंसू पोंछने की कसम खाई थी मैंने। मुझे किसी की दौलत का लोभ नहीं है माँ, मुझे किसी की जायदाद का लालच नहीं है। अपने इन दोनों हाथों से कमाई हुई रोजी मेरे लिए बहुत है माँ, और मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि मरता मर जाऊंगा लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें लोगों के आगे अपना सर नीचा करना पड़े। माँ, मेरे पास और वक्त नहीं है, तुम मुझे आशीर्वाद दो। मैं जा रहा हूँ और तुम्हें वचन देता हूँ कि एक इंसान, एक भाई और एक बेटे के नाते जब तक अपने नाम से एक कलंक न मिटा दूं, जब तक अपने भाई राम के खून का हक अदा न कर दूं, और जब तक उस हत्यारे गजेंद्र के पापों का फंदा मैं खुद उसी के गले में डालकर उसे सारी दुनिया के सामने न ले आऊं, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं चलता हूं। अच्छा श्याम, श्याम, अनजाने में जो अन्याय हमसे हो गया है उसके लिए हमें क्षमा कर सकोगे? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं अंजना, भूल मेरी थी जो मैंने सच्चाई को सब लोगों से आखिर तक इस तरह छुपाए रखा। सुनो, मुसीबत की इन घड़ियों में मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अंजना, मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार पवित्र और बेलौस है, मैं उस प्यार के लायक बनना चाहता हूं। जाते समय मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहूंगा कि अगर इस धरती पर सच्चाई और मानवता जिंदा है तो मैं बहुत जल्द लौट कर तुम्हारे पास आऊंगा। श्याम, हाँ, श्याम, बहुत अच्छे मौके पर मिल गए मेरे भाई, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी खबर देनी है। क्या खबर है? बताता हूँ, इधर आओ। श्याम, कुमार राम जिंदा है। मैं कहता हूँ कुमार राम जिंदा है। मेरा भाई जिंदा है? भाई, ये भाई, भाई कहाँ? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि कुमार राम कहाँ है और किस जगह है। देख, मुझे गजेंद्र बाबू और मुनीम जी की बातों से पता चला है कि उन्होंने राम और अपनी शांता है ना, वो उनको पनाना गांव में अपने ही उनका किले जैसा मकान है ना, उसमें बंद कर रखा है, और गजेंद्र बाबू रामचंद्र जी की दस्तखत लेकर उनको आज ही रात उन दोनों को खत्म कर देना चाहते हैं। उससे पहले गजेंद्र को मेरी जान लेनी होगी। तुमने ये खबर मुझ तक पहुंचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है गोपाल। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन सुनो, जाओगे कैसे? पुलिस ने गांव के चारों तरफ घेरा डाल रखा है। पुलिस? हाँ, चप्पे चप्पे पे पुलिस फैली हुई है। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने भाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। की मार से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता। तुम्हारे प्यार ने मुझे ये शक्ति दी है, लेकिन उसके बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें अपनी बदनसीबी में बांध कर यहाँ मौत के दरवाजे पर लिया है मैं। ऐसा ना कहो राम, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये मेरी बदनसीबी की छाया है, मेरी बदनसीबी की छाया है। मैं गजेंद्र बाबू की हर ख्वाहिश आज पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनके कागजात पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी जान लेने, लेकिन वो तुम्हें कुछ न करें। तुमने उनका क्या बिगाड़ा है? तुमने तो कुछ नहीं किया। घबराओ नहीं राम, घबराओ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं किसी की मजाल नहीं कि तुम्हें हाथ भी लगा जाए।
शांता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों जिंदा हो। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये पापी लोग तो हमें मार डालना चाहते हैं। नहीं शांता, इन पापियों का सर्वनाश करने के लिए ही भगवान ने दो बिछड़े हुए भाइयों को आज एक कर दिया है। तुम जानती हो राम मेरा जुड़वा भाई है। हाँ राम, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसे बदनसीबी ने बचपन में ही अपने खानदान से अलग कर दिया, लेकिन अब ईश्वर ने हमें एक दूसरे से मिला दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत हमारे आड़े नहीं आ सकती राम। वो राक्षस आ गया, इनका पहले अब क्या होगा? तुम घबराओ मत शांता। राम, इस वक्त भाई जो कुछ मैं कहूंगा तुम्हें करना होगा। अपनी शाल मुझे दे दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ ऊपर से दोनों को जाकर ले आओ। आज रात ही उनका फैसला हो जाना चाहिए। नहीं हुजूर। आखिरी बार पूछता हूं राम, क्या चाहते हो? दस्तखत करके अपनी जिंदगी या इनकार करके अपनी मौत? बोलो। बोलो तो क्या बोलूं? आपके हाथ में तो इतना बड़ा वो रिवॉल्वर है, अब तो कुछ ना कुछ करके जल्दी से अपनी जान बचानी पड़ेगी। दस्तखत करना होगा। ये लो कलम और लिखो अपना नाम। जी, किसका नाम लिखूं जी? अपना और किसका, जल्दी करो वरना गोली छोड़ा दूंगा। मुझे ये पिस्तौल जरा आप हटा लो ना, मुझे इससे डर लगता है। देखिए मेरा हाथ भी कितना कांप रहा है। पिस्तौल। ये क्या लिखा है? अपना नाम लिखा, श्याम। मजाक करता है गधे, तुम्हारा नाम श्याम है या राम? मेरा नाम श्याम है और गधा मैं नहीं हूं, गधे हैं आप। बताओ राम कहाँ है? वो देखिए ऊपर कौन खड़ा है। दिलों की तरह दीवार के पीछे कब तक छुपे रहो? बोलो, तुम सामने आते हो या मैं आऊं? अफसोस क्यों करते हो राम? तुम्हें भी इसी वक्त उसके पास पहुंचा देता हूं। क्या
मेरा नाटक खत्म होने वाला है। तूने खुद अपनी मौत को ललकारा है। शेर कभी चूहे के हाथों मरा है गधे? बाबू, अब मैं इस तलवार से नहीं डरता और न मुझे आपसे डर लगता है। भगवान ने मेरी मदद के लिए देखिए मेरे बरसों से पिछड़े हुए भाई को मेरे पास भेज दिया है। तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास भेज दिया है ताकि तुम दोनों को एक साथ खत्म करके मैं हमेशा के लिए अपना रास्ता साफ कर दूं। गजेंद्र बाबू, अपने बिछाए जाल में अब तुम खुद ही फंस गए। तुम्हारे पापों से अब तुम्हें मौत ही छुटकारा दे सकती है। शाम, शाम, इनके सब आदमी भाग गए। अब मत मारो इनको, छोड़ दो, जाने दो। ये गुंडा हमारी दया के लायक नहीं रहा। मैं आज इसे खत्म करके रहूंगा। अब तुम्हारे अत्याचारों का अंत आ गया है गजेंद्र। याद करो जिस भगवान को याद करना है। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करना। क्या तुम अपने अपने हाथों ही अपनी बहन का स्वाग उजाड़ दोगे? क्या मुंह दिखाएंगे हम अपनी दीदी को? मैं तुमसे विनती करता हूँ, भगवान के लिए छोड़ दो, जाने दो, क्षमा कर दो इन्हें। सुनते हो गजेंद्र, मेरे जिस भाई पर तुमने जिंदगी भर अत्याचार किए, आज वही भाई तुम्हें मौत के चंगल से छुड़ाना चाहता है। जाओ, अपनी बहन के सुहाग के नाम पर हम दोनों भाई तुम्हें एक नई जिंदगी का दान देते हैं। श्याम भी आते हैं। चलिए आप भी चलिए। नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ऐसा ना कहिए। मैं यहीं ठीक हूं सुलक्षणा, तुम जाओ। ये शुभ काम तुम्हारे ही हाथों से होना चाहिए। जाओ सुलक्षणा। सुनो, ये भेंट मेरी तरफ से उन दोनों को दे देना। चलो आओ बहू, आओ। आओ श्याम। प्रणाम। ये शुभ दिन आपको मुबारक हो। सुलक्षणा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपके तो दो दो भाइयों का शगुन है। अरे दादा, वो वर्माला कहाँ है? अरे वर्मालाएं तो बहुत आएंगी, पहले ये बताइए कि वो दोनों वर राजा कहाँ हैं? है?
सुलक्षणा बेटी, ये हार ले लो। ये शाम के लिए और ये राम के लिए। सो तो है पर कौन किसको हार पहनाएगा कुछ समझ में नहीं आता। कौन हो भाई तुम? कौन हो भाई तो तुम कौन हो? देखो लड़कियों, इन दोनों में से एक तुम्हारा मंगेतर है और एक तुम्हारा। अब ये गुत्थी तुम खुद ही सुलझाओ और अपने मंगेतर के गले में जाकर जरूर हाथ डालो। जाओ। Hey.